देन सबसे पहले मैं आप लोगों को एक छोटा सा पीपीटी समझ लीजिए बनाया हूँ, राइट? तो उससे थोड़ा सा आप लोगों को बता देता हूँ, देन हम लोग कंटिन्यू करेंगे अपने प्रोफाइल पे जाके. ओके, सबसे पहले अभी मेरा स्क्रीन शेयर हो रहा है आप लोगों को, या बिल्कुल राइट? हाँ, यस ओके. देन अरुण अभी जी, देखिए. या सर, बोलिए. या सभी लोग को स्क्रीन विजिबल है ना? बिल्कुल बिल्कुल हाँ दिख रही है। या ऑल द राइट, पार्टिसिपेंट, जितने भी पार्टिसिपेंट्स हैं, क्या उनको स्क्रीन क्लियर है? तो टाइप क्लियर, अगर स्क्रीन दिख रही है सही से तो टाइप क्लियर। या चलो दिख रहा है, या ओके, सबको अपना स्क्रीन दिखाई दे रहा है ना? चलो मैं कंटिन्यू करता हूँ. ओके, आप लोग ध्यान से सुनिएगा, और कुछ इम्पोर्टेंट पॉइंट हो तो प्लीज उसको नोट डाउन जरूर करिएगा, ठीक है? आज मैं जो फेसबुक के बारे में, एक्चुअली अगर मैं फेसबुक की स्ट्रैटेजी बताऊँ तो ये मतलब 1 घंटे का खेल नहीं है, मतलब आपको काफी टाइम देना पड़ेगा. लेकिन मैं शॉर्ट में ज्यादा इन्फॉर्मेशन नहीं दूंगा, जितना हो सके ट्राई करूंगा कि जितना जल्दी हो सके खत्म करने की कोशिश करो, राइट? तो सबसे पहले अभी मेरे प्रोफाइल जो स्क्रीन है उसको देखिए, वहां पे मैंने कुछ पॉइंट्स लिखा है, राइट? जैसे कि सबसे पहले अपना प्रोफाइल पिक्चर. अभी सारी चीजें मैं आपको प्रैक्टिकली दिखाऊंगा. अभी जस्ट मैं आप लोगों को ये पढ़ के बता रहा हूँ कि एक्चुअल में है क्या. सबसे पहले अपना प्रोफाइल पिक्चर है, राइट? दूसरा कवर पिक्चर है, तीसरा बायो, और चौथा है एड लिंक ऐड करना है. कैसे करना है वो सारी चीजें मैं बताऊंगा. कुछ फीचर्स पिक है, राइट? और कुछ पोस्ट है, पोस्ट को हमेशा पब्लिकली करना है. और इसमें क्या है ना, इनेबल टैगिंग ऑप्शन. तो उसमें क्या होता है, जो कोई भी आपको टैग कर देते हैं उसके लिए आपको ये जो नोटिफिकेशन है उसको क्लिक करना होगा, ऑन करना होगा. उससे कोई भी अगर आपको टैग करते हैं ना, देन आपको पहले से नोटिफिकेशन मिल जाएगा. फिर अगर आप उसको अलाउ करेंगे देन आपके वो प्रोफाइल में दिखाई देगा, राइट? अभी मैं आपको अपने फेसबुक प्रोफाइल में लेके चलता हूँ, ठीक है? वहां से आपको सारी चीजें क्लियर होगा. फर्स्ट ऑफ ऑल देखिए, ये मेरा फेसबुक प्रोफाइल, राइट? ये ओपन हो गया मेरा फेसबुक प्रोफाइल. अभी मैं आप लोगों को दिखाता हूँ. देखिए, सबसे पहला मैंने बात किया था प्रोफाइल पिक्चर. अभी अगर मैं आप लोगों को एक चीज क्लियर करूं कि देखिए, मान के चलिए आप कोई ऑनलाइन बिजनेस कर रहे हो. अभी हम लोग जो फोर्सेज कर रहे हैं वो एक ऑनलाइन बिजनेस है, राइट? और राइट ऑनलाइन बिजनेस का बैकबोन होता है ट्रस्ट. जब तक आपके आपके ऊपर किसी का ट्रस्ट नहीं होगा ना, डेफिनेटली कोई भी आपके साथ नहीं आने वाला. तो आपका ट्रस्ट फैक्टर कैसे डेवलप होगा? आपके प्रोफाइल से. अब कई लोग क्या करते हैं, अपने प्रोफाइल में कुछ भी चीजें पोस्ट करना शुरू कर देते हैं. तो ऐसा नहीं करना है. और एक बात मैं आप लोगों को एक चीज क्लियर करना चाहूंगा, इसको नोट डाउन भी कर लीजिए, कि अपने प्रोफाइल में अपने प्रोजेक्ट या फिर अपने कंपनी का छोटा सा भी आपके पास निशान नहीं होना चाहिए. कहूँ तो मतलब उसका नाम भी नहीं होना चाहिए, राइट? आप लोग जो भी कर रहे हो उसमें क्या होता है, एक्चुअल में हमारा जो प्रोफाइल है पर्सनल ब्रांडिंग पे डिपेंड करता है. लोग हमें देख के आएंगे कि हम लोगों को क्या नॉलेज देंगे, आपकी कंपनी को, आपके प्रोजेक्ट को देख के नहीं आने वाले, राइट? तो राइट आप फोकस इस चीज पर करिए कि अपने पर्सनल ब्रांडिंग पे आपका प्रोफाइल है. वो कोई सब्जी मंडी जैसा कुछ है नहीं कि आपको सारी चीजें वहां पे पोस्ट करना है, राइट? अपने कंपनी के रिगार्डिंग कुछ भी नहीं, कोई आईडी, जैसे कि कोई अर्निंग प्रूफ वगैरह. तो यहाँ पे कुछ भी पोस्ट आप कर रहे हो ना, देखिएगा, कुछ भी पोस्ट कर रहे हो तो यहाँ पे ट्राई करिएगा कि आपका ही पर्सनल ब्रांडिंग हो हर पोस्ट में, आपके बिजनेस का पर्सनल ब्रांडिंग हो, राइट? आपको किसी भी कंपनी का कोई अर्निंग प्रूफ वगैरह वहां पे शो नहीं करना है. उसको जस्ट आप स्टोरी पे डालिए, क्योंकि स्टोरी सिर्फ 24 आवर्स के लिए रहता है, उसके बाद वो अनविजिबल हो जाता है, राइट? तो ये चीजें ना वहां पे प्रमोट करिए आप. तो स्टोरी भी किस तरीके से डालना है पहले नोट डाउन कर लीजिए. सबसे पहले स्टोरी पे मॉर्निंग में जब आप स्टोरी डालते हो तो सबसे पहले अपना फोटो उस स्टोरी पे डालिए, अपना पर्सनल ब्रांडिंग करिए कि लोग पहले सबसे पहले आप ही के फोटो देखेंगे. उसके बाद आप कुछ मोटिवेशनल कोट्स डालिए, फिर अर्निंग आपके जो टीममेट्स हैं जो यहाँ पे अर्निंग किए हैं ना, आपने अभी स्टार्ट किया हो, आपने कुछ अर्निंग नहीं किया है, चलो ठीक है, लेकिन आपके टीममेट्स ने तो अर्निंग करा है, तो उनके स्क्रीनशॉट लेकर के उन्हें स्टोरी पे डालिए, राइट? तो इससे क्या होता है ना कि लोग धीरे धीरे ट्रस्ट, पहले आपको देख लिया आपके वहां पे फोटोज पे, है ना, उसके बाद उन्होंने कुछ मोटिवेशनल देख लिया, फिर उन्होंने रिजल्ट देख लिया. तो आपको इस तरीके से करना है. सबसे पहले आप लोग स्टोरी डालेंगे अपने पर्सनल ब्रांडिंग के रिगार्डिंग, राइट? कोई भी आपका जो पोस्ट है उसको, ओके? उसके बाद आपको डालना है मोटिवेशनल, देन फिर आपको डालना है आपके एक सेकंड यदि ये जी अरुण सर, जी, एक सेकंड जी सर, एक सवाल पूछना चाहूंगा, कितने जी सर, लोगों को ये पसंद है कि आपको लोग जाने, मतलब जिसको जिसको पर्सनल ब्रांडिंग हम लोग बोल रहे हैं आज, कितने लोगों को ये पसंद है कि आपको मैक्सिमम से मैक्सिमम लोग पहचाने, कितने लोगों को ये पसंद है? आई होप सभी लोगों को पसंद होगा, राइट? तो इसके लिए ना एग्जैक्टली देखो, जैसा कि अरुण जी बता रहे हैं, मैं भी अपना प्रोफाइल दिखा दूंगा। तो देखो एग्जैक्टली होता है क्या ना यार, डिजिटल हम लोग सारा कुछ डिजिटली कर रहे हैं, तो वी हैव टू मेंटेन, देखिए हमको मेंटेन करना है, राइट?
बिकॉज हमारी ब्रांडिंग हमको आपको कोई नहीं जानता, अगर प्रोफाइल अच्छे से मेंटेन होगी ना, लोग खुद से खुद अप्रोच करते हैं। और ये हम लोगों को अरुण जी जितने पॉइंट्स बता रहे हैं ना, मैं उसलिए बार बार बोल रहा हूँ, मेक श्योर कि आपके पास नोटबुक हो। मैंने तो नोट डाउन करना स्टार्ट कर दिया है, अगर आप लोगों ने स्टार्ट कर दिया तो वेल एंड गुड, अगर नहीं किया है तो मिस आप ही से होने वाला है। तो मेक श्योर जो भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हो आप नोट डाउन करना स्टार्ट कर दें, राइट। तो जैसा कि इन्होंने 5 पॉइंट्स बताए, 5 से 6 पॉइंट पीछे के स्लाइड में दिखाए थे, अगर आपने लिखा है तो वेल एंड गुड, अदरवाइज आपको अरुण जी फिर से दिखा देंगे। ओके, तो अरुण जी आप प्रोसीड करिए आप। या सर, बिल्कुल जी सर। सबसे पहले मेरा प्रोफाइल देखिए, मैंने अपना जो प्रोफाइल फोटो मैंने किस तरीके से लगाया। प्रोफाइल फोटो भी बहुत मायने रखता है कि आपको पूरा फुल फोटो नहीं डालना है वहाँ पे, जस्ट हाफ फोटो डालिए। आपका वहाँ पे जो फेस है वो क्लियर दिखना चाहिए, राइट। सेकंड, आप देखिए आपका कवर फोटो आपको शो कर रहा है कि आप क्या करते हो, वो बता रहा है लोगों को, राइट। अगर इस वाली चीज को नहीं डालना चाहते हो ना, अपने कवर फोटो पे ऐसा कोई चीज नहीं डालना चाहते हो ना, देन आप क्या करिए वहाँ पे, इस कवर फोटो में आप कहीं पे बाहर घूमने गए हैं, कोई टीम है आपका तो उनके साथ कुछ एंजॉयमेंट है तो उसको डालिए, क्योंकि इससे लोगों को लाइफ स्टाइल के बारे में पता चलता है आपकी, है ना। और उसके नीचे देखिए मैंने जो बायो लिखा है, आप लोग देख सकते हो यहाँ पे मैंने बायो किस तरीके से लिखा है, राइट, ये वाला, राइट। बायो देख के लोगों को समझ आ जाता है यार ये बंदा कुछ ना कुछ स्पेशल करता है, राइट। तो बायो इस तरीके से बहुत इम्पोर्टेंट है। आपको अपना बायो, आपको एक तरीके से एक छोटा सा इंट्रोडक्शन है जो आप लोगों लोगों के लिए, मतलब आपको जान जाएंगे लोग कि हाँ ये कुछ इस तरीके से करता है, राइट। अभी देखिए यहाँ पे ये वाला जो सेक्शन है ना, ये जो पोर्शन है बहुत इंपॉर्टेंट है। मैक्सिमम लोग यहाँ पे क्या करते हैं ना, अपना लोकेशन दिखाते हैं, अपने स्टडी वगैरह को दिखाते हैं कि मैंने यहाँ से स्टडी करा, ये मेरा लोकेशन। आपको ये नहीं करना है, आपको ये चीजें नहीं करना है, आपको अपने कनेक्शन के लिंक देना है यहाँ पे, राइट। जैसे कि मैंने देखिए मैंने इंस्टाग्राम के दो अपने अकाउंट्स दिए हैं, अपने लिंक्डइन का दिया है, अपने व्हाट्सएप का, और साथ में यूट्यूब का है, फिर ट्विटर का, राइट। तो इन चीजों को आपको डालना है इसमें, जिससे क्या होगा ना कि लोग मतलब अरुण जी ये बता दीजिए इसको डालना कैसे, बहुत से लोगों को पता नहीं रहता कैसे डालना है इसको। या जी, ओके ओके बिल्कुल ठीक है। ओके, एडिट प्रोफाइल पे यहाँ पे क्लिक करेंगे, ओके। देन आपको यहाँ पे देखिएगा ऑप्शन सारे चीजों के आ जाएंगे। सबसे पहला प्रोफाइल फोटो का ऑप्शन आ जाएगा जिसमें आप एडिट करके प्रोफाइल फोटो डाल सकते हो, राइट। दूसरा यहाँ पे कवर पिक्चर है जिसमें आप कवर पिक्चर एडिट कर सकते हो, और उसके नीचे देखिए ये है अपना बायो का सेक्शन है जिसपे आप बायो लिख सकते हो, ओके। अभी देखिए यहाँ पे डिटेल्स है ना, ये वाला जो सेक्शन है, एड एड करके दिखाता हूँ मैं, ये वाले जो सेक्शन है देखिए, सब में क्लिक करूंगा तो वहाँ पे शो होना शुरू होगा, लेकिन मैंने उसको सबको अनटिक कर दिया, क्योंकि सारे के सारे अगर मैं टिक कर देता तो सामने वही पोर्शन दिखाते, जैसे कि लाइव इन लिव्स इन रायपुर, फ्रॉम रायपुर, ये सारे लोकेशन वगैरह को दिखाते। तो हमें इस चीज को नहीं करना है, हमें इस चीज को दिखाना नहीं, मैंने सबको अनटिक कर दिया, राइट। अभी देखिए मैंने कुछ हॉबीज सेलेक्ट किया है यहाँ पर। एक और इम्पोर्टेंट चीज है, ये जो है फीचर, इसको मैंने पहले ऐड किया था, फिर रिमूव कर दिया कुछ इश्यू की वजह से, राइट। तो ये जो फीचर्स है ना, वो आपके लाइफ स्टाइल को शो कर देगा कि आपने किस तरीके से, मैं अगर अपना स्टार्टिंग का दिखाता तो आप लोगों को पता चलता कि मैं किस स्टेज में था और किस स्टेज में पहुंच गया था। ये जो 9 जो अपने है ना, उसमें 9 फोटो मैंने इस तरीके से डाला था कि स्टार्टिंग इनिशियल स्टेज से नाउ दिस करेंट स्टेज में मैं कैसे हूँ और क्या ग्रोथ हुआ, ये चीजें मैंने यहाँ पे शो किया था, लेकिन फिर से मैंने इसको रिमूव कर दिया बाद में। अब देखिए ये वाला लिंक का ऑप्शन है यहाँ पे, देखिए आप लिंक एडिट कर सकते हो, राइट। यहाँ पर कोई भी लिंक आप सिंपली एडिट कर सकते हो, जैसे कि मैं एक लिंक आपको शो करके बताता हूँ, ठीक है। यहाँ पे देखिए इंस्टाग्राम का आ गया, राइट, इंस्टाग्राम है। और जो भी देखिए आप कुछ भी चीज को यहाँ पे जस्ट सेलेक्ट करिए, जिसका भी अकाउंट है आप वहां से फिर उसको डाल सकते हो, इजी वे में मतलब एडिट कर सकते हो, ठीक है। होप आपको ये चीज क्लियर हुआ होगा कि आप ये लिंक कैसे एडिट करोगे, राइट। अभी देखिए नीचे यहाँ पे देखिए स्टोरी हाईलाइट, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। एक्चुअली होता क्या है ना, इंस्टाग्राम पे आप जाओगे तो आपके जो जितने भी पोस्ट है उसको लोग एक स्क्रॉल पे देख सकते हैं, राइट। लेकिन यहाँ पे फेसबुक में लोगों के पास इतना टाइम नहीं है कि आपके प्रोफाइल को नीचे देखते ही जाएंगे, है ना, इतना टाइम नहीं है उनके पास। वो क्या करते हैं, जस्ट आपके यहाँ पे जो हाईलाइट है ना, इसको वॉच करते हैं कि आपने यहाँ पे क्या क्या किया है। हाईलाइट से सारी चीजें पता चल जाता है कि हाँ ये बंदे ने मतलब जेन्युइन है क्या है, राइट। तो आप लोगों को स्टोरी हाईलाइट करना बहुत जरूरी है। मैंने एक दिन अपने पर्सनल टीम के लिए भी एक वेबिनार लिया था, उसमें भी मैंने इस चीज को क्लियर किया था। आज मैं आप लोगों को दो टेक्निक बताऊंगा जिससे आप लोगों को रिजल्ट आएगा, ठीक है। ये तो हुआ जस्ट प्रोफाइल। अब देखिए एक्चुअली लोग गलती कहाँ करते हैं, अपने प्रोफाइल पे। आपको अपने प्रोफाइल को ऑप्टिमाइज करना बहुत जरूरी है। कुछ लोग, मैं मानता हूँ स्टार्टिंग में आपको थोड़ा सा उसमें टाइम लगेगा, 1 महीना दीजिए, 1 महीने में आपका प्रोफाइल बहुत अच्छा बिल्ड हो जाएगा। अगर कुछ कंफ्यूजन हो मुझे पर्सनली कनेक्ट कर सकते हो, मैं आप लोगों को एक चीज बता दूंगा। लेकिन आप लोग ट्राई करिए अपने प्रोफाइल पे,
मैक्सिमम मैं अपना बताऊं तो मैंने फेसबुक से अप्रोक्स 450 लोगों का लीड्स जनरेट किया सिर्फ 6 हफ्ते में। और ये कैसे हुआ, इस सिर्फ प्रोफाइल के वजह से। लोग क्या करते हैं ना, अगर आप उनको कुछ चीज के लिए रिकमेंड करोगे सबसे पहले वो आपका प्रोफाइल विजिट करेंगे। क्योंकि देखिए लोग क्या होते हैं ना, एक ही तरीके से सोचते हैं, सारे के सारे लोगों की थॉट एक ही तरीके से है। आप खुद सोचिए, अगर कोई पर्सन आपको बिजनेस के लिए अप्रोच कर रहा है तो क्या आप उनको ऐसे ही रिप्लाई दे दोगे क्या? सबसे पहले उनका प्रोफाइल विजिट करोगे, राइट? उनका प्रोफाइल विजिट करो कि ये पर्सन क्या है, कैसा इनका प्रोफाइल कैसा, वहां से पता चल जाएगा। अगर वो फालतू के प्रोफाइल है ना, आप उसको छोड़ दोगे यार, रहने दो, रिप्लाई ही नहीं दोगे, राइट? और एक चीज और है, इसको मैं दिखाना चाहूंगा। देखिए मैं स्क्रॉल करूंगा, यहाँ पे सारे के सारे मेरे ही फोटो है, पूरा का पूरा पर्सनल ब्रांडिंग। सेकंड कि यहाँ पे किसी ने भी मुझे टैग किया उनका वहां पे पोस्ट वगैरह है ही नहीं, क्योंकि मैंने उसको रिव्यू सेक्शन पे डाल दिया है। मैं चाहूँ तो उनको अप्रूवल दे सकता हूँ, अदरवाइज उसको नहीं देता, राइट? तो इस तरीके से जरूरी है आप लोग ना, जो टैग वाले सेक्शन होते हैं ना, आप आपको कोई टैग ना कर पाए, या फिर टैग रिव्यू ले लीजिए। क्योंकि इसमें क्या होता है ना, आपने देखिए मैं अपना प्रोफाइल इतने अच्छे से मैनेज किया है, मान के चलो कोई पर्सन ने मुझे टैग किया, अब मेरे प्रोफाइल पे उनका पोस्ट दिखाई दे रहा है, तो इससे होता क्या है ना, उनका ब्रांडिंग हो रहा है आपका नहीं। तो आपको इस चीज को नोट डाउन करना है कि आपको ये जो टैग वाला सेक्शन है उसको रिव्यू में डालिए और उसको अप्रूवल मत दीजिएगा किसी भी हाल में, राइट? अभी मैं आप लोगों को कुछ नोटिफिकेशन से भी दिखा देता हूँ यहाँ पे, जैसे कि किसी ने मुझे टैग किया होगा, देन आप लोगों को पता चल जाएगा कि मैंने इसको किस तरीके से रखा था, राइट? वेट, जस्ट शायद कुछ लोगों ने मुझे टैग किया होगा, देन डेफिनेटली वहां से पता चल जाएगा, ठीक है? आप लोगों को दिखा देता हूँ। ओके, या एक्चुअली यहाँ पे टैग वाला सेक्शन नहीं है शायद, ठीक है? ये है शायद, इन्होंने टैग किया है, ठीक ये है ना है? प्रियंका के नाम से। जैसे जो कोई टैग करते हैं ना, तो वहां पे अगर जब आप उस स्टार्टिंग को इनेबल कर देते हो ना, तो आपको नोटिफिकेशन आना शुरू हो जाता है, राइट? तो उसको आप करिएगा, देन आपको बहुत बेनिफिट होगा। अभी आप लोगों को स्टोरी, हाँ मैं स्टोरी नहीं दिखाऊंगा, आप लोगों को ग्रुप से दिखाता हूँ, ठीक है? मैंने क्या करा है और इसको किस तरीके से करना है आप देखिए। मैंने अपना सबसे पहले आपको ग्रुप दिखाता हूँ, ये मेरा पर्सनल ग्रुप है। आप लोगों को क्या करना है, अगर आपको लॉन्ग टर्म लेके चलना है ना इस सिस्टम को, इस प्लेटफॉर्म को, या फिर अपने आप को, आप एक ग्रुप बनाइए, अपना खुद का एक ग्रुप बनाइए। वहाँ पे नो डाउट ऐसा कुछ भी ग्रुप हो सकता है, लेकिन आप कोशिश करिए अपने बिजनेस, अपने निज के रिगार्डिंग एक ग्रुप बनाइए, लोगों को उसमें ज्वाइन कराइए, वहाँ पे पोस्ट करना शुरू करिए, लोगों को वैल्यू देना शुरू करिए। इससे क्या होगा, आपके ग्रुप में जितने भी लोग हैं वो आपको जानना शुरू कर देंगे, और एक बार जब आप उनको अप्रोच करेंगे ना, डेफिनेटली लोग आपके साथ आएंगे। ट्रस्ट फैक्टर बहुत जरूरी है, तो ग्रुप अपना जरूर बनाइए, है ना? बहुत इजी है ग्रुप, आप जस्ट 10 मिनट में क्रिएट कर सकते हो। अभी देखिए मैंने उस दिन भी बताया था कि मैंने 1800 ग्रुप ज्वाइन किया है, राइट? इतने तो कई लोगों के फेसबुक में फ्रेंड नहीं होते। कुछ लोग ऐसे सोचते हैं कि भाई आप पागल हो क्या, इतने सारे ग्रुप ज्वाइन कर लिए। तो आज इसका बेनिफिट मैं बताता हूँ। मैंने आज 1800 ग्रुप इसीलिए ज्वाइन करा है क्योंकि देखिए मान के चलो मैं पूरा का पूरा, अगर मैं लीड जनरेशन की बात करूँ तो पूरा का पूरा लीड जनरेशन ग्रुप से ही करता हूँ। अब इतने सारे ग्रुप मैंने ज्वाइन करा, मैक्सिमम लोग क्या करते हैं, इस ग्रुप में पोस्ट करते हैं, डू यू वॉन्ट मेक मनी ऑनलाइन, डू यू वॉन्ट वर्क फ्रॉम होम, डू यू वॉन्ट 30 to 50,000 पर मंथ, राइट? तो ऐसे पोस्ट लाखों लोग कर रहे हैं पर डे, राइट? फेसबुक में लाखों लोग कर रहे हैं, आप ऐसा क्या? अरुण जी, अरुण जी, एक सेकेंड। हाँ सर जी, मैं एक अनाउंसमेंट करना चाहूंगा। बहुत सारे लोग नए हैं इस मीटिंग में, जैसा कि बहुत सारे लोग का फर्स्ट डे या सेकंड डे है। तो देखो, बहुत सारे पोर्शन आपको समझ में ना आ रहा, बट जो अरुण जी बता रहे हैं काफी मीन्स एक्सपीरियंस के बाद आता है। तो मेक श्योर ना आप लिखो, आपको जो भी समझ में ना आए आप अपने स्पॉन्सर से कॉन्टेक्ट कर सकते हो, या फिर आप लास्ट में क्वेश्चन कर सकते हो। तो मेक श्योर ना कि आप जो भी नए बंदे उनको स्पेशली बोल रहा हूँ, हम लोग को तो समझ में आ रहा है, नो इशू, हम लोग नोट भी कर, बट जिनको नहीं समझ में आ रहा है, जो नए बंदे जिन्होंने आज किया ज्वाइन, जिन्होंने कि फेसबुक का इस तरीके से यूज नहीं करा है, बिकॉज फेसबुक का हम लोग जनरली फोटो लाइक करो, वीडियो देखो, इसके लिए यूज करते थे। तो मेक श्योर ना कि आप लोग जितने भी पॉइंट समझ में ना आए आप लिखो, एंड एट लास्ट हम लोग ट्राई करेंगे सॉर्ट आउट करने के लिए इस मीटिंग में। अगर नहीं हुआ तो आप पर्सनली अपने स्पॉन्सर के साथ टच में आ सकते हो, वो आपकी हेल्प कर देंगे, ठीक है? तो मेक श्योर कि आपको जो भी नोट समझ में ना आए ना आप जरूर लिखो नोटबुक में। इसलिए मैं बार बार बोल रहा हूँ कि हैव अ पेन एंड नोटबुक विथ योर सेल्फ सो दैट कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट ना छूटे, ठीक है? याजिता जी, अब आप प्रोसीड करो। जी या सर जी, मैं क्या कह रहा था कि एक्चुअली अगर आप ऑनलाइन बिजनेस कर रहे हो तो देखिएगा मैक्सिमम लोग क्या करते हैं, जस्ट एक ही तरीके से पोस्ट करते हैं, आपको कुछ डिफरेंट पोस्ट करना है, राइट? ऐसे जैसे कि मैं एक आपको दिखाता हूँ, ये स्टार्टअप इंडिया का मैंने एक ग्रुप ले लिया, ठीक है?
अब मेक श्योर कि अगर आप पोस्ट कर रहे हो तो डेफिनेटली इस चीज को अंडरस्टैंड करिएगा कि जो ग्रुप है ना पब्लिक ग्रुप होना चाहिए, राइट, जिसमें आपका पोस्ट अप्रूवल हो। मैं जैसे एक फोटो आप लोगों को पोस्ट करके दिखाता हूँ, राइट, कि मैं किस तरीके का फोटो यहाँ पे पोस्ट कर रहा हूँ। जैसे आपको पूरा प्रोसीजर नहीं बताऊंगा, बस आपको छोटा सा एक बता देता हूँ। मेरे पास देखिए ये है एक, राइट, अभी मैंने जो ग्रुप ज्वाइन चूज किया है वो है स्टार्टअप इंडिया, राइट। हमें क्या चाहिए, अपने जैसे लोग जो बिजनेस माइंडेड हो, जो कुछ डिफरेंट सोचते हैं, राइट, और वो लोग हमेशा के लिए कुछ सीखने के लिए बहुत एक मतलब उत्सुक रहता है, राइट। तो हमें ऐसे लोगों को ढूंढना है जो हमारे जैसे बिजनेस माइंडेड हो, कुछ सीखना चाहते हैं। मैं ऐसे ही ग्रुप को ज्वाइन करता हूँ जहाँ पे मुझे मेरे जैसे लोग मिले, लाइक संदीप महेश्वरी सर के मोटिवेशनल ग्रुप है, बिजनेस से रिलेटेड ग्रुप है, स्टूडेंट से रिलेटेड ग्रुप है, कुछ है जैसे डिजिटल मार्केटिंग, अफिलिएट मार्केटिंग, नेटवर्क मार्केटिंग के कुछ ग्रुप्स है, कुछ स्पेशल नेटवर्क मार्केटिंग के कंपनीज के ग्रुप है, राइट। तो इन ग्रुप को ज्वाइन करिए अब अरुण या। जी, हाँ अरुण जी सर, जी कुछ अरुण जी जी मैं सर, आपको बीच कुछ ग्रुप एक कुछ एक ग्रुप के नाम भी बता दीजिए कि जिसको लोग ज्वाइन कर सकें, अगर कुछ हाँ पांच सर, सात हाँ अगर आप सर, बता सकते हो जो ज्यादा जी जरूरी सर, हो वेट, हाँ सर, मैंने एक उनको तैयार रिकमेंड कर किया दीजिए है, आप एक बार जी ना। सर, मैंने अपने टीम के लिए तैयार किया है, मैं जस्ट दिखाता हूँ, जस्ट वेट सर, ओके। अगर हो सके तो उसको ग्रुप में शेयर करवा सकते हो तो अच्छी हाँ बात सर, है, ताकि बिल्कुल वो बिल्कुल लोग सब सर, लोग जी सर, अपने मतलब ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं ना, जी सर, ओके सर, जस्ट ज्यादा वेट सर, अच्छा हो जाएगा, मैंने, क्योंकि कुछ लोगों को पता ही नहीं है ना ग्रुप के नाम क्या हाँ है, सर, जी सर, या जी कुछ सर, ग्रुप्स के नाम नहीं पता ना। जी सर, मैंने जस्ट शेयर किया था यहाँ पे, राइट। देखिए मैंने कुछ ग्रुप के नाम लिखे हैं, साथ में देखिए इंस्टाग्राम और फेसबुक दोनों का मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है। देखिए ये पूरा का पूरा इंस्टाग्राम का है, जो कि अकाउंट है जो हमें फॉलो करना है अपने काम के है, राइट। ये तो जस्ट अरुण जी, इंस्टाग्राम अरुण का है, जी एक जी सर, सेकेंड, एक जी सेकेंड, सर, थोड़ा सा आप पॉज करो, मेक श्योर कि सारे लोग स्क्रीनशॉट निकाल लें इस पोर्शन का, आप लोग जितने भी लोग हो सर उसका मैं स्क्रीनशॉट, ग्रुप ग्रुप में डाल दूंगा सर, क्योंकि पॉज नहीं नहीं करूंगा ग्रुप ना तो में शेयर दिख, करवा दो, हाँ या चलो ठीक है हाँ कोई मैं जस्ट अभी, ग्रुप में शेयर हाँ करवा दो, या मैं फिर अभी फॉरवर्ड कर दूँ सर, या आप कॉल कर दो, कोई सुन नहीं, चलो ठीक है या चलो सर, ओके। देखिए ये ठीक है, बात मैंने, करते हैं, सुन नहीं है। हाँ जी सर, देखिए ये मैंने फेसबुक के ग्रुप के कुछ नाम लिखे हुए, राइट, जैसे कि डिजिटल मार्केटिंग, अफिलिएट मार्केटिंग, नेटवर्क मार्केटिंग, मैक मनी ऑनलाइन। हमें ऐसे लोग चाहिए जो अपने जैसे हो, राइट। तो ये राइट, सारे सही जो है। ग्रुप है ना उसमें ऐसे ही लोग आपको मिलेंगे, इस चीज को याद रखिएगा, क्योंकि हम लोग कहीं पर भी ऐसे मतलब पोस्ट करते हैं जहाँ पे कुछ रिजल्ट आता नहीं है, लेकिन रिलेवेंट ग्रुप अगर आपने चूज किया है और उसमें काम कर रहे हैं तो डेफिनेटली रिजल्ट आएगा। मैं अगर अपना बताऊं तो आप लोगों को एक जस्ट दिखा देता हूँ, जस्ट वेट है ना, आप लोगों को मैं अपना रिजल्ट थोड़ा सा दिखा देता हूँ, क्योंकि मैंने किस तरीके से किया। जस्ट FB देखिए, FB का मैंने सर्च किया, आप देखिए जितने भी लोग हैं ना फेसबुक के, सारे के सारे लोगों का प्रोफाइल यहाँ पे ओपन होना शुरू होगा। देखिए पूरा का पूरा फेसबुक के ही लोग हैं, और मैंने कुछ ब्रॉडकास्ट लिस्ट भी बनाया है, राइट। देखिएगा पूरा का पूरा फेसबुक से ही है लोग, सारे के सारे लोग। क्यों इन्होंने, इन सब ने मेरे साथ आया क्यों, क्योंकि मैंने उन लोगों को कुछ वैल्यू दिया। मैंने यहाँ पे जो बिजनेस माइंडेड जैसे कि कुछ है ना ग्रुप, मैंने अभी जो दिखाया उन्हीं ग्रुप से मैंने काम किया, और यहाँ से लोग मेरे साथ आए। देखिए पूरे के पूरे इतने सारे लोग हैं, पूरे के पूरे फेसबुक से है, जस्ट FB, और सारे के सारे फेसबुक से, राइट। तो इस तरीके से आप लोगों को डेफिनेटली रिजल्ट मिलेगा अगर आप इसको फॉलो करेंगे। मैं आप लोगों को फेसबुक पे लेके आता हूँ, राइट। उस जो ग्रुप के अपने जो नाम है ना वो मैं पर्सनली ग्रुप में शेयर कर दूंगा, ठीक है। अभी देखिए मैंने क्या कहा, 65 e-books मेरे पास है, मुझे पता है मैं लोगों को कुछ चीज फ्री में दूंगा ना तो लोग उसका वैल्यू समझते नहीं है, मुझे पता है, बट फिर भी मैं उनको दूंगा। क्यों, क्योंकि मैंने एक चीज सीखा है, राहुल भटनागर सर क्या बोलते हैं कि अगर आप अपने बिजनेस को ग्रो करना चाहते हो ना तो आप सोशल मीडिया में आ जाइए, लेकिन अब सोशल मीडिया में मैक्सिमम लोग आपके कोल्ड कस्टमर है जो आपको जानते भी नहीं है। इस ग्रुप में अभी मैं दिखाता हूँ आप लोगों को, जस्ट वेट है ना, वेट। इस ग्रुप को देखिए, इस ग्रुप में कितने, 1,23,000 लोग है। अब 1,23,000 में से एक पर्सन को भी मैं नहीं जानता, क्यों, क्योंकि ये अब मेरे लिए कोल्ड कस्टमर है जिसको मैं जानता ही नहीं हूँ। अब इसको मुझे हॉट कस्टमर में बदलना है तो कैसे होगा, इसके लिए दो प्रोसीजर होता है, एक तो A से B और दूसरा B से C। ए से बी में आपको क्या करना है ना, उनको फ्री में चीजें प्रोवाइड करना है, जैसे मैंने किया ना अभी पोस्ट दिया था कि 65 free e-books, राइट। तो लोगों को आप फ्री में चीजें पहले प्रोवाइड करिए, लोग आपके साथ कनेक्ट होंगे फिर वहां से, राइट। तो आप लोगों को क्या करना है, अभी जैसे मैंने बताया एक तो ये हो गया स्टार्टअप इंडिया का, जैसे कि आप डिजिटल मार्केटिंग के रिगार्डिंग कुछ ग्रुप्स है, कुछ अफिलिएट मार्केटिंग के रिगार्डिंग ग्रुप्स है। अब वहां पे पोस्ट कैसे करना है इसको समझिए। सबसे पहला मान के चलिए डिजिटल मार्केटिंग, अफिलिएट मार्केटिंग के रिगार्डिंग ग्रुप है, मैं क्या करता हूँ, मेरे पास डिजिटल मार्केटिंग के कुछ कोर्सेस है, राइट, लाइक जो भी है जो कोर्सेस है, मैं उसका यूज एक तो लर्निंग के लिए कर ही लिया, अब इसका यूज लीड जनरेशन के लिए करता हूँ, है ना।
कुछ लोग जैसे कि मैंने बताया ना, अफिलिएट मार्केटिंग, डिजिटल मार्केटिंग के ग्रुप है, लोग तो सीखना चाहते हैं लेकिन उनके पास अपॉर्चुनिटी नहीं है। ओके, मैं क्या करता हूँ, उस ग्रुप में जाता हूँ, मान के चलिए कोई अफिलिएट मार्केटिंग का ग्रुप मैंने यहाँ से चूज कर लिया, 10 अफिलिएट मार्केटिंग के ग्रुप। ओके, अफिलिएट मार्केटिंग के ग्रुप मैंने यहाँ से देख लिया, अभी देखिए ये ग्रुप है और यहाँ पे आप फिल्टर कर लीजिए, इसको फिल्टर करके पब्लिक ग्रुप में ला लीजिए और यहाँ से रिजल्ट आ गया, ये मेरा ग्रुप है। ठीक है, अभी अफिलिएट मार्केटिंग के रिगार्डिंग ग्रुप है, मेरे पास अफिलिएट मार्केटिंग के कोर्स है जो मैं लोगों को फ्री में दे सकता हूँ। मैं यहाँ पे क्या करूंगा, जस्ट एक मैसेज करूंगा, डू यू वॉन्ट लर्न अफिलिएट मार्केटिंग, DM me, आई विल प्रोवाइड यू एब्सोल्युटली फ्री कोर्सेज। राइट, लोगों को जब आप कुछ चीज फ्री में दोगे ना, लोग आपके साथ आएंगे, ऐसा नहीं कि लालच से, लोगों को सीखना है। कुछ लोग ऐसे हैं जो जेन्युइनली सीखना चाहते हैं, हमें अपने जैसे लोग चाहिए जो सीखे। राइट, तो आप लोगों को क्या करना है, उनको फ्री में कोर्सेज की ऑफर करना है। अब ये होता क्या है ना, लोग पहले आपको नहीं जानते थे, अब वो जैसे आपके जो पोस्ट है उसको देखेंगे, आपको DM करेंगे, आप क्या करिए उनको अपना व्हाट्सएप नंबर दीजिए, बोलिए कि लिंक यहाँ पे शेयर करना पॉसिबल नहीं है मैसेंजर पे, आप मुझे व्हाट्सएप पे कनेक्ट करिए, व्हाट्सएप पे बुलाइए, अपना नंबर पहले दीजिए। होता क्या है ना, जब आप अपना नंबर पहले दोगे, लोग क्या करते हैं, पहले आपका नंबर सेव करेंगे फिर आपको व्हाट्सएप में DM करेंगे, आप उनका नाम पूछ के व्हाट्सएप नंबर आपका उनका नंबर सेव कर लीजिए। अब आपको एक गलती सारे लोग करते हैं, उस चीज को अंडरस्टैंड करिएगा, आप उनको फ्री में जिससे प्रोवाइड कर दिए ना, तुरंत उनको किसी भी बिजनेस के लिए रिकमेंड मत करिएगा, तुरंत कभी भी मत करिएगा, इससे ऐसे लगेगा कि आप डायरेक्ट अपने बेनिफिट के लिए उनको लालच दे के बुलाए थे। आपको ऐसा नहीं करना है, वो अभी कोल्ड कस्टमर है, उनको हॉट कस्टमर में तब्दील करना है, उसमें अप्रॉक्स 1 हफ्ते का टाइम लगेगा। आप खुद ही सोचिए, अपने आप में लेके सोचिए, अगर कोई पर्सन ने आपको फ्री में कुछ चीजें दिया, अब वो बोल रहा है भाई मेरे पास ऑनलाइन बिजनेस है, आप करोगे, तो क्या आप करोगे, क्या नहीं करोगे। राइट, तो सेम लोग भी ऐसे ही करते हैं, आपको क्या करना है, उनको कोल्ड कस्टमर से हॉट कस्टमर में बदलना है, तो उसके लिए टाइम लीजिए 1 हफ्ता। अब उस टाइम में आपको करना क्या है ना, स्टेटस के थ्रू पर्सनल ब्रांडिंग करिए, अट्रैक्शन मार्केटिंग करिए। मैं अपना बताऊं तो मैंने काफी सारे लोगों को इस चीज को किया है और काफी सारे लोग मेरे साथ आए हैं स्पेशली ये बोल के कि अरुण भाई आप क्या करते हो, मुझे आपके साथ करना है, आप मेरे लीडर रहोगे। राइट, तो ये जो शब्द मैं सुनता हूँ ना, तो मुझे ऐसा लगता है यार, मतलब बहुत खुशी मिलता है। एक तो मैंने उनका हेल्प किया फ्री में, उस चीज को वो भी समझता है, सेकेंड अब उनको एक जेन्युइन पर्सन मिल गया जिनके साथ वो बिजनेस कर रहा है, कर सके। क्योंकि इस जो जितने भी ग्रुप है ना, यहाँ पे मैं दिखाऊं, जितने भी ग्रुप है, सारे के सारे ग्रुप में लोग तो हैं, राइट, लेकिन उसमें से 90% लोग बेरोजगार है, उनके पास कुछ भी ऑप्शन नहीं है करने के लिए, इसीलिए वो इस ग्रुप में है, उनको हमेशा एक अपॉर्चुनिटी की तलाश है। अगर आप उनको पहले टच कर लेते हो तो डेफिनेटली वो आपके साथ कनेक्ट होगा, डेफिनेटली आपके साथ बिजनेस करेगा। राइट, हमें क्या करना है, मैक्सिमम अभी मेरे कुछ फ्रेंड जो लोगों ने ज्वाइन करा, पर्सनली लोगों का एक प्रॉब्लम था कि भाई मैं अपने पर्सनल फ्रेंड पे काम नहीं कर सकता। मैं बोलता हूँ करो ही मत, अपने पर्सनल फ्रेंड पे काम ही मत करो। आप लोगों को क्या, वहाँ पे 0.001% लोग है यार आपके पर्सनल फ्रेंड में, आपके रिलेशन में, जो लोग आपको सिर्फ नेगेटिव करेंगे, आपके साथ बिजनेस में आने वाले नहीं है, उन लोगों को इग्नोर ही करिए। वो पूछते हैं कि आपका अर्निंग कितना हुआ, उनको पूछने दीजिए, उनको बोलिए कि उन लोगों का सोच है कि आपका अर्निंग अच्छा हो जाएगा तब आपके साथ आएंगे। वही है कि लोग आपके साथ जीरो से स्टार्ट करे हो तो नहीं आएंगे, लेकिन जब आप ग्रो कर लोगे आपके पीछे आना पसंद करेंगे, लेकिन साथ चलना नहीं, तो उनको इग्नोर ही करो। फेसबुक, इंस्टाग्राम जैसे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे हमारे लिए लीड्स भरे पड़े हैं, इसका यूज करो यार, डेफिनेटली रिजल्ट आएगा। राइट, अभी देखिए इतने सारे ग्रुप है जो मैंने बताया, अभी एक डिजिटल मार्केटिंग के मैं बता देता हूँ। राइट, एक डिजिटल मार्केटिंग के रिगार्डिंग, डिजिटल मार्केटिंग के कुछ ग्रुप है। राइट, ये एक मान के चलो एक डिजिटल मार्केटिंग का ग्रुप है। अब देखिए यहाँ पे आपको कैसे पोस्ट करना है, यहाँ पे आपको पोस्ट कैसे, मेरे पास है डिजिटल मार्केटिंग का कोर्स। राइट, मैं क्या करता हूँ, जस्ट जाता हूँ वहाँ पे लिखता हूँ, डू यू वांट लर्न डिजिटल मार्केटिंग, आई विल प्रोवाइड यू एब्सोल्युटली फ्री कोर्सेज, DM मी, बस इतना करके मैं डाल देता हूँ अपना पोस्ट कर देता हूँ। अगर वो पब्लिक ग्रुप है, मैंने बोला ना पब्लिक ग्रुप पे ही पोस्ट करना है, पब्लिक ग्रुप में आप पोस्ट करोगे, लोग आपके पोस्ट को देखेंगे और आपको डायरेक्ट DM करेंगे। आप उनको बोलिए कि व्हाट्सएप पे आइए, व्हाट्सएप पे बुलाइए, उनको उनका काम दे दीजिए, जो उसके लिए जो आया है ना उसको दीजिए, अब अपना काम करिए स्टेटस के थ्रू पर्सनल ब्रांडिंग। एक बार व्हाट्सएप पे आ गए ना लोग, तो आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, फिर वो आपके बिजनेस में आएगा ही। राइट, तो इस चीज को क्लियर करिए। ओके, अभी कुछ और ग्रुप है, जैसे कि मैंने वहाँ पे बताया ना, कुछ बिजनेस के रिगार्डिंग ग्रुप है, कुछ है स्टूडेंट्स के रिगार्डिंग है, कुछ कॉलेज के रिगार्डिंग है। राइट, कुछ मोटिवेशनल ग्रुप है। अब यहाँ पे आपको कैसे पोस्ट करना है, जो ई बुक वाला मैंने आपको ऑप्शन बताया ना, आपको वो जो पैथर है वो आजमाना है, उसमें क्या करना है,
लोग वहां पे ऐसा नहीं है, वहां पे इंटरेस्टेड नहीं है लोग अफिलिएट डिजिटल के लिए, वहां पे लोग लर्निंग के लिए कुछ स्पेशल पढ़ने के लिए इंटरेस्टेड है। वहां पे उनको फ्री में ई बुक दीजिए, ई बुक देंगे तो लोग आपको डीएम करेंगे, डीएम करके व्हाट्सएप पे आएंगे, फिर आप अपना काम करिए फिर, राइट। वहां पे कोशिश करिए अपने से आप टच मत करिएगा, वो खुद से आपको टच करेंगे कि आप क्या करते हो मुझे बताइए, मैं आपके साथ करूंगा। मैंने बताया ना, लोग आप ही को देख के आएंगे यार, लोग आपको देख के आएंगे, राइट। तो आप उस पे काम करिए, अपने आप पे काम करिए, ठीक है। ये कुछ ग्रुप्स है जिसपे आपको स्पेशली वर्क करना है। ऐसे ग्रुप में अगर जो आपको, आप लोगों को जो मैं शेयर करूंगा वो जो ग्रुप है, अगर आप सर्च करोगे तो उसी नाम से काफी सारे ग्रुप होंगे। तो आपको क्या करना है ना, जस्ट पब्लिक ग्रुप को ही ज्वाइन करना है। जाइएगा यहाँ पे सर्च करिएगा, जस्ट मान के चलिए एक बिजनेस ग्रुप मैंने सर्च कर लिया, राइट, बिजनेस ग्रुप, ओके, बिजनेस आइडिया, ठीक है। अभी यहाँ पे देखिएगा कुछ आता है, एक ग्रुप है यहाँ पे, जाइए, वेट, ग्रुप। अब यहाँ पे देखिए ये जो ऑप्शन है ना, यहाँ पे क्लिक करिए, यहाँ पे आ जाएगा सिटी भी है, पब्लिक ग्रुप है, माय ग्रुप, पब्लिक ग्रुप पे करिए सर्च करिए, आपको पब्लिक ग्रुप ही शो होगा और उसी को आपको ज्वाइन करना है क्योंकि यही आपके लिए बेनिफिशियल है। सेकंड आपको क्या करना है, एक स्ट्रैटेजी जो आप लोगों के लिए बहुत बेनिफिशियल होगा, उसको, इसको मैंने अपने पर्सनल टीम को भी उस दिन बताया था और आज आप लोगों को भी ये चीज क्लियर करूंगा कि ऐसा हो जाए कि लोग खुद से आपको अप्रोच करे, खुद से आपको व्हाट्सएप नंबर दे और खुद से आपके साथ ज्वाइन हो जाए और वेबिनार वगैरह के लिए कोई दिक्कत ना हो। तो आप लोगों को ये आइडिया कैसा लगेगा, टाइप करिए चैट में यस और नो में, कैसा लगेगा? आप लोगों को स्ट्रैटेजी बताऊंगा मैं कैसे करना है। सर कोई अरुण जी, टाइप कर रहा वाकई है क्या? जबरदस्त जबरदस्त ट्रेनिंग, जबरदस्त ट्रेनिंग, या सर, ग्रेट, थैंक यू सर, थैंक यू सो मच। आई एम प्राउड ऑफ यू। या ग्रेट यार, या ग्रेट। अरुण जी जी सर, से पाउज लेंगे हम लोग यहाँ तक हाँ का, सर, किनको किनको क्लियर हुआ टाइप करिए, क्लियर, जिनको मजा आ रहा है, मजा आ रहा क्लियर है, हुआ टाइप क्लियर, बहुत अच्छा लग रहा है, मजा आ रहा है। और मैं ये आपको इतना ही बोलूंगा, अगर आपके टीममेट जो अभी तक नहीं अटेंड कर रहे, कोशिश करिए कि मेक देम, मतलब उनको भी आप वेबिनार तक बुला के ला सकते हो। हाँ सर, मैंने पर्सनली अपने टीम को, सारे लोगों को मैंने बोला था कि प्लीज इसको अटेंड करिएगा। सर फिर आप इसका मैं, रिकॉर्डिंग रिकॉर्डिंग कर रहे हो ना? ये आपको आसान रिकॉर्ड हो रही है, या सर, ओके, थैंक यू सर, जी सर। सर मैं प्रोसीड करूँ? ये आपको आसान, या देखिए, अब मैं जो चीज बताने जा रहा हूँ ना उसको ध्यान से सुनिएगा, क्योंकि अभी मैं जो टेक्निक बताने वाला हूँ वो सारी चीजें अपने आप होगा, सारी चीजें, हमें कुछ नहीं करना है, लोगों को डीएम भी नहीं करना, वो सारी चीजें खुद ब खुद होगा। और कैसे होगा इसको सुनिए। आप लोगों को मैंने अभी कुछ बताया था ना कुछ ग्रुप के बारे में, अब आपको क्या करना है, फेसबुक पे जाइए, सर्च बॉक्स पे यहाँ पे सर्च कर लीजिए नेटवर्क मार्केटिंग ग्रुप, राइट। अभी देखिएगा, डाउट मत सोचिएगा, मत डाउट मत करिएगा, मैं बता रहा हूँ, सारे सॉल्यूशन बताऊंगा, ठीक है। नेटवर्क मार्केटिंग ग्रुप, ग्रुप देखिए कितने लोग हैं, 68,000, राइट। हमें कैसे लोग चाहिए? अपने जैसे लोग चाहिए भाई, बिजनेस माइंडेड पर्सन चाहिए जो अच्छे से काम करे, राइट। अब हमें ऐसे पर्सन, वो लोग है जो नेटवर्क मार्केटिंग, अफिलिएट मार्केटिंग ऑलरेडी कर रहे हैं। मैक्सिमम लोगों को मैंने चीज देखा है कि वो लोग ना नेटवर्क मार्केटर को अप्रोच ही नहीं करते, या फिर अफिलिएट मार्केटर को। अभी देखिए मैं कैसे करता हूँ, इसको सुनिए। मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे गया मैंने, ठीक है, वहां पर जा करके मैंने यहाँ पे सीऑल पे क्लिक किया, लोगों के प्रोफाइल विजिट करता हूँ। यहाँ पे देखिए लोगों के प्रोफाइल विजिट करता हूँ कि कौन कौन पर्सन है। देखिए मुझे पता है कि ये पर्सन क्या करता है, इनका प्रोफाइल मैं दिखाता हूँ आपको, राइट। ये एक पर्सन है जो कि एक अफिलिएट मार्केटिंग करता है, ओके, अफिलिएट मार्केटिंग करता है, मेरा फ्रेंड भी है, कन्वर्सेशन भी हो गया, राइट, अफिलिएट मार्केटिंग करता है, मुझे पता है, जितने जी सर, भी क्वेश्चंस रहेंगे ना, जैसा कि बंदे ने लिखा है कि से क्वेश्चन है, तो मेक श्योर ना जितने भी क्वेश्चंस आपको आ रहे हैं मीटिंग के दौरान हम जी लोग सर, लास्ट में सॉर्ट आउट करेंगे, ठीक है ना? तो आप हाँ अपने सर, नोटबुक डेफिनेटली, में लिख सकते हैं। ओके जी सर, हाँ, इसको सर एक बहुत, एक सर मिनट इसको मैं करता हूँ, इसका इलाज करता हूँ, जी, एक सेकंड आप वेट करो, मैं करता हूँ इसका इलाज। जी सर, एक बंदा बड़ा बदतमीज है, हाँ सर, देखो वही 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 सर, मैं वही बोलने वाला था, दिमाग खराब है इसका, किस नाम कुछ से भी आईडी बोल रहा इसकी? है, कलुआ की, जो भी इनका है, जो भी है ये अपना, चलो छोड़ो, हो हो गया गया सर, इसको, कंटिन्यू वेटिंग रूम में कंटिन्यू डाल दिया करूँ? इसको मैंने, वेटिंग रूम हाँ में सर, डाल दिया मैंने इसको, चलो बिल्कुल चलो जी बिल्कुल। सर, हाँ या सर, ओके ओके, कंटिन्यू करता हूँ, ठीक है। देखिए जैसे कि मुझे पता है यहाँ पे कुछ ग्रुप है, ये तो सिंपल है, एक पर्सनल ग्रुप ही ले लेता हूँ, एक नेटवर्क मार्केटिंग कंपनी का एक पर्सनल ग्रुप ले लेता हूँ मैं, ठीक है। वहां से आपको क्लियर कर देता हूँ एकदम शॉर्ट में, ठीक है, एकदम बहुत अच्छे से आपको क्लियर हो जाएगा यहाँ पे। ओके लाइफ केयर, ओके, जस्ट ओके लाइफ केयर बता देता हूँ, ये ओके लाइफ केयर का एक ग्रुप है, ग्रुप है ना, यहाँ पे ग्रुप नहीं है क्या? है ना, मैं सर्च कर लेता हूँ।
आप लोगों को जैसे कुछ एग्जांपल से बता रहा हूँ, ठीक है, आप लोगों को बता दे रहा जाएगा यहाँ पे एक्चुअली मैंने यहाँ से सर्च करना था ये है देखिए अभी अब मैं बताता हूँ इसको ध्यान से सुनिएगा मैं जस्ट एक ग्रुप का एग्जांपल देके बताता हूँ ऐसे ग्रुप ना फेसबुक में भरे पड़े हैं राइट अभी देखिए जो मैं स्ट्रेटजी बता रहा हूँ उसको देखिएगा सुनिएगा ध्यान से मैं बोल क्या रहा हूँ मुझे पता है ये ओके लाइफ केयर का ग्रुप है यहाँ पे मैक्सिमम लोग जितने भी ज्वाइन है मैक्सिमम लोग ओके लाइफ केयर करते हैं राइट मैं क्या करूंगा सी ऑल पे क्लिक करूंगा जाऊंगा लोगों की प्रोफाइल विजिट करूंगा मुझे मेरे जैसे लोग चाहिए राइट अभी देखिए मैं लोगों के प्रोफाइल विजिट करूंगा मुझे पता है सारे लोग मैक्सिमम लोग हैं जो ये चीज कर रहे हैं ना ओके लाइफ केयर कर रहे हैं मैं प्रोफाइल विजिट करूंगा सिंपली जाके और इनको फ्रेंड रिक्वेस्ट डाल दूंगा ओके मुझे पता है ना ये ओके लाइफ केयर कर रहे हैं अब देखिएगा ये जो नेटवर्कर होते हैं ना नेटवर्कर एफिलिएटर एक बात याद रखिएगा अगर आपने उनको फ्रेंड रिक्वेस्ट दे दिया ना बंदा खुद से मैसेज आपको करेगा खुद से मैसेज करेगा और कैसे करेगा उसको मैं आप लोगों को दिखा दूंगा ओके आप लोगों को क्या करना है ऐसे ग्रुप जैसे कि लाइक वेस्टीज है ओके लाइफ केयर है आरसीएम है काफी सारे बिजनेस ऑनलाइन मतलब ऐसा है नेटवर्क मार्केटिंग कंपनीज के ग्रुप है उसको ज्वाइन करना है वहां पे लोगों को आप डीएम मत करिएगा एक चीज याद रखिएगा वो खुद से डीएम करेंगे ओके आपको जैसे उनको फ्रेंड रिक्वेस्ट डालना है अब पहला एक्चुअली प्रॉब्लम क्या होता है पहला कि चैटिंग का लोगों का कि यार मैं चैटिंग कैसे स्टार्ट करूं देखिए चैटिंग का प्रॉब्लम कैसे सॉल्व होता है सामने वाला पर्सन खुद से आपको चैट करेगा खुद से मैसेज करेगा ठीक है पहला हो गया आप कन्वर्सेशन को अपने फ्लो में करिए आपको पता है ना वो ओके लाइफ केयर करता है उनको पूछिए कि आप क्या करते हो पूछिए उनसे हाँ हो गया ना चलिए हाँ मुझे पता है इसके बारे में आगे कन्वर्सेशन करिए अब वो आपसे पूछते हैं ना आप बताइए मैं ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी पे वर्क कर रहा हूँ सामने वाला पर्सन का माइंड घूम जाएगा उनको पता ही नहीं ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी क्या है और याद रखिएगा मैक्सिमम जितने भी नेटवर्क मार्केटिंग कंपनी में वर्क कर रहे हैं ना मैक्सिमम लोगों की यार कुछ अर्निंग होता ही नहीं है वो सिर्फ लोगों को दिखाते हैं कि मैंने इतना अर्निंग किया है राइट तो लोगों को कॉन्सेप्ट समझाना है ये जो लोग होते हैं ना जो नेटवर्कर है सबसे पहला चैटिंग स्टार्ट करने में आपका हेल्प करेगा आप अब चैटिंग को अपने फ्लो में लेके जाइए सेकंड अब नंबर मांगेंगे ना तो नंबर फटाक से देंगे आपका सेकंड प्रॉब्लम भी सॉल्व हुआ कि वो नंबर फटाक से देंगे आपको थर्ड अब नेटवर्कर हो अफिलिएटर हो यार उनको ये चीज क्लियर है कि भाई आप किसी भी प्लान को ना कॉल पे नहीं समझा सकते आपको उनके लिए वेबिनार अटेंड करना पड़ेगा राइट उनको ये बात क्लियर है आप उनसे जस्ट कन्वर्सेशन करिए उनको बोलिए कि यार एक बार वेबिनार अटेंड करो वेबिनार के लिए उनको बार बार बोलने की जरूरत नहीं वो अटेंड करेगा डेफिनेटली करेगा और एक बार वेबिनार अटेंड कर लिया ना तो वो मान के चलो 70% कन्वर्ट हो गया और एक चीज और ध्यान रखना हम लोग अगर फ्रेशर पे वर्क कर रहे हैं ऐसा नहीं फ्रेशर को छोड़ देना उस पर भी वर्क करना है लेकिन यार जब आप फ्रेशर पे वर्क करोगे ना तो सबसे पहला चैटिंग स्टार्ट करो तो पूछते रहते हैं नंबर मंगो तो वेबिनार के लिए पूछते रहते हैं उसके बाद वेबिनार देख लिया ना उनको समझाते रहो वो एक्शन लेने के लिए भी मतलब सोचते रहते हैं राइट अब एक्शन ले लिया ज्वाइन भी हो गए ना तो उनको समझाना बहुत दिक्कत हो जाता है यार कि भाई कैसे काम करोगे आप वहां पे बहुत टाइम देना पड़ता है तो यार हमें क्या करना है ना अगर फ्रेशर 20 बंदे को आपने टच किया दो लोग आपके साथ ज्वाइन हो रहे हैं आप क्या करो 20 नेटवर्कर को ले लो जो 20 नेटवर्कर को अप्रोच कर लो ना 20 नेटवर्कर में से एक नेटवर्कर भी आ गया ना आपको ट्रेनेड पर्सन मिल रहा है पता है एक ट्रेनेड पर्सन आपको क्या अर्निंग दे सकता है आप सोच भी नहीं सकते राइट जो हर चीज में माहिर है उनको पता है वेबिनार अटेंड करना हाँ वो वेबिनार अटेंड करेगा उनको बिजनेस कॉन्सेप्ट समझ में आ गया डेफिनेटली आपके साथ ज्वाइन करेगा आपके साथ ज्वाइन कर लिया उनको पता है यार बिजनेस से बहुत बेनिफिट है वो खुद से काम करेगा आपको बार बार बोलने की जरूरत नहीं यार आप काम करो बोलने की जरूरत नहीं है वो खुद से काम करेगा तो इस चीज को अंडरस्टैंड करिए कि हमें ना ऐसे लोगों पे टाइम नहीं देना जो सिर्फ आपके टाइम कंज्यूम करे हमें ऐसे लोगों को टाइम देना है जिसमें से मैं मानता हूँ कि कुछ नेटवर्कर है जो आपके बहुत टाइम लेंगे लेकिन यार एक चीज याद रखना मान के चलो आपने 20 नेटवर्कर को अप्रोच किया एक नेटवर्कर भी आ गया ना तो वो आपके जितना टाइम बचाएगा वो आप सोच भी नहीं सकते कितना टाइम ऐसे प्रेशर है उनको सिखाते रहोगे आप यार ऐसा करो वैसा करो एक चीजें सारी चीजें बताते रहोगे लेकिन नेटवर्कर है ना उनको एक हफ्ते सिंपल से बता दो भाई ज्वाइनिंग कैसे करना है क्या करना है कैसे बताना है लोगों को बस वो खुद से काम करेगा फिर वहां पे आपका टाइम बच जाएगा फिर राइट तो इस चीज को क्लियर करिए मैक्सिमम लोग यही करते यार ये नेटवर्कर है इसको तो ज्वाइन नहीं करेगा भाई एक बार पूछ तो लो उनसे वो नेटवर्कर है लेकिन वो पैसे के लिए मोहताज है उनको कुछ अर्निंग हो ही नहीं रहा है वहां पे प्रोडक्ट बेस में एक्चुअली यही होता है अब देखिए ये चीज तो मैंने क्लियर कर दिया ना अब कुछ फैक्ट बता देता हूँ उस दिन मैंने ये फैक्ट नहीं बताया था अभी मैं कुछ फैक्ट बता देता हूँ ठीक है इसको समझिएगा पता है ये जो नेटवर्कर होते हैं जो अफिलिएटर होते हैं ना वो फैक्ट को समझते हैं आप थ्योरी मत बताइए उनको जस्ट फैक्ट क्लियर करिए अब फैक्ट क्या क्लियर करना है इसको समझिए
सबसे पहला कोई भी नेटवर्कर है ना, तो उनको एक चीज क्लियर करिए या पूछिए कि ब्रो आपके जो सिस्टम है उससे क्या आपको आपके अपलाइन से, आपके क्रॉसलाइन से अर्निंग होता है। सबसे पहला फैक्ट, ठीक है, कि अपलाइन क्रॉसलाइन से अर्निंग होता है, ठीक है, ये पहला क्वेश्चन वो खुद ब खुद आंसर देगा, नहीं होता भाई, नहीं होता है, मेरे थ्रू अपलाइन को अर्निंग होता है, ठीक है। सेकेंड उनसे पूछिए कि आप मान के चलो भाई 1000 लोगों का टीम बना लिए, आप रीपर्चेस नहीं करोगे तो अर्निंग होगा? सेकंड क्वेश्चन उनसे पूछिए, रीपर्चेस नहीं करोगे, टर्नओवर नहीं दोगे तो अर्निंग होगा क्या? तो कहाँ से पैसिव इनकम है, कहाँ से पैसिव इनकम है, तो एक्टिव इनकम ही हुआ ना। थर्ड एक चीज और जो बहुत इंपॉर्टेंट है, अभी देखिए अगर हम इस अभी जो वेबिनार में इन लोगों की बात करूं तो सारे के सारे स्टूडेंट है, राइट, और हम लोग स्टूडेंट को ही अप्रोच कर रहे हैं, ओके। तो आपको एक चीज और क्या यूज करना है इसको समझिए। आपको पता है जो इंडिया में पेरेंट्स है ना, 99% पेरेंट्स ऐसे हैं जो चाहते हैं कि मेरे बच्चे नेटवर्क मार्केटिंग मत करें, ओके। अब मान के चलो आपने 1000 स्टूडेंट का टीम बना लिया, अब रीपर्चेस करना है आपको, रीपर्चेस करने के लिए फैमिली वाले पर डिपेंड है, पेरेंट्स पैसे नहीं देंगे, रीपर्चेस होगा नहीं, रीपर्चेस नहीं होगा तो अर्निंग आएगा क्या? नहीं आएगा। स्टूडेंट को ये फैक्ट बताओ ना कि भाई आप प्रोडक्ट में ना, प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी में काम कर रहे हो, आपको रीपर्चेस करना होगा, और पता है आपके फैमिली सपोर्ट नहीं करते, तो आप बताओ कब तक आप ऐसा करोगे? आप खुद से प्रोडक्ट नहीं लोगे तो आपके टीम वाले लेंगे क्या? नहीं लेंगे, तो अर्निंग होगा ही नहीं। सिंपल सी ये बात उनके जहन में जाएगा, सीधे के सीधे दिल पे खुसेगा ये बात कि यार ये बंदे तो सही बोल रहा है, राइट। उसके बाद वो आपका वेबिनार देखेगा, भाई मैं देखता हूँ आपका वेबिनार, अब देख लीजिए। अब वेबिनार देख लिया तो फिर छोड़ दीजिए टेंशन। फिर आपको ना देखिए एक चीज और मैं क्लियर करना चाहूंगा, अगर आप लोग, मैं अपने डाउनलाइन की बात करूं तो ना फोर्सेज को इतना समझ लीजिए जितना मैंने समझा है, और उतना ही अपने डाउनलाइन को भी समझा दीजिए, उसके बाद आगे किसी को फोर्स करने की जरूरत ही नहीं है यार। अगर सच में कोई फोर्सेज समझ गए ना तो इतने मोटिवेशन इंस्पिरेशन के साथ काम करेगा ना, आप सोच भी नहीं सकते। मैं अपना बताऊं, मैंने उस चीज को बहुत अच्छे से अंडरस्टैंड करा है, राइट। अब मुझे इतना कॉन्फिडेंट है कि मैं किसी भी कंपनी के पर्सन को इसके लिए टच कर सकता हूँ, कोई भी नेटवर्क मार्केटिंग, अफिलिएट मार्केटिंग, कोई भी कंपनी के पर्सन को टच कर सकता हूँ, क्योंकि मुझे पता है कि इससे इनको क्या वैल्यू मिलने वाला है, राइट। और एक चीज और क्लियर करिएगा कि ये जो सिस्टम है ना, जो फोर्सेज है, उसमें क्रिप्टो करेंसी पे रन कर रहा है ये सिस्टम, और क्रिप्टो करेंसी आपको ऐसा प्योर पैसिव इनकम देता है जो कहीं नहीं मिलता। एक छोटे से एग्जाम्पल से बता देता हूँ, मान के चलो आपने 15,000 ट्रोन के यहाँ पे अर्निंग कर लिए, अगर आपको इमरजेंसी नहीं है उसको रखे रहिए, वो 15,000 ट्रोन ना 4 महीने में आपको 15,000 रुपए की और वैल्यू देगा, 15,000 रुपए और वैल्यू देगा। प्राइवेटली मुझे भी कर रहा है ना ये बंदा, बड़े गंदे गंदे मैसेज कर रहा है जी। सर कौन है, नाम बता सकते हो क्या? अरे कभी कलुआ का पापा, कभी कलुआ का। आप लोग ना अगर किसी से कॉल नंबर ले रहे हो ना, आप उनको जस्ट कॉल करके इंट्रोडक्शन लीजिए, और उसके बाद उनको बोलिए यार मैं अभी कहीं पे बिजी हूँ, ऐसा करता हूँ मैं अपने फ्रेंड को कॉल कर लेता हूँ, वो आपको सारी चीज एक्सप्लेन कर देंगे। इतना बोल के आप अपने स्पॉन्सर को कॉल हैंडओवर कर दीजिए। स्पेशली मैं अपने टीम को यही चीज बोलता हूँ यार कि कॉल हैंडओवर मुझे कर दीजिए, स्टार्टिंग के 10 कॉल मुझे हैंडओवर करिए। हर एक से पर्सन से कैसे बात करना है, उसको कैसे अप्रोच करना है, वो मैं आपको बताऊंगा। ये जो टेक्निक है ना, जो 10 पर्सन अलग अलग तरीके से बात करना, यहाँ पे आदित्य भाई ने भी ये चीज क्लियर किया है कि हम एक स्क्रिप्ट नहीं दे सकते कि आप ऐसे ही बात करोगे, हर एक पर्सन डिफरेंट टाइप के होते हैं, उनसे डिफरेंट टाइप से बात करना है, राइट। तो वो जो 10% जिससे मैं कॉन्फ्रेंस में बात करूंगा ना, जब आप उसको सुनोगे आपको वो चीज क्लियर हो जाएगा कि यार इसको किस तरीके से हैंडल करना है। अब ये जो 10% है उसमें से मान के चलो 2 से 3 लोग आपके साथ आ गए ना, अब इनका कॉल आप हैंडओवर करिए, इनका कॉल आप लीजिए और उनको फिर बताना शुरू करिए कि यार ऐसे बात करिए, राइट। तो हमें क्या करना, फॉलोअर्स नहीं बनाना है, हमें लीडर्स क्रिएट करना है जो इस चीज को समझे यार कि हाँ जो सीख रहे हो ना उसको इम्प्लीमेंट करो, राइट। मैं जो कॉल पे कॉन्फ्रेंस में बात कर रहा हूँ तो कैसे कर रहा हूँ इस चीज को अंडरस्टैंड करिए, है ना, उस चीज को आप फॉलो करिए कि हाँ ये पर्सन ऐसा क्वेश्चन कर रहा है तो इस तरीके से आंसर करना है, राइट। तो इस तरीके से जब आप बार बार इस चीज को करोगे ना, मैं मैक्सिमम हर किसी को बोलता हूँ यार 10 कॉन्फ्रेंस कॉल अपने स्पॉन्सर को दो, 10 कॉन्फ्रेंस कॉल, क्योंकि नो डाउट आप सारी चीजें फोर्सेज के बारे में जानते हो, लेकिन आपका स्पॉन्सर जो जानता है ना, जरूर कुछ एडवांस है यार, ओके,
जरूर कुछ एडवांस है जो आपसे जानता है, ओके, देन उनको कॉल हैंड ओवर करिए। स्टार्टिंग में ईगो में मत रहिए कि यार ऐसा नहीं होगा, मैं उनको बताऊंगा, वैसा मत करिए। आप अपने स्पॉन्सर को कॉल दीजिए, वो हैंडल करेंगे, वो आपको बताएंगे ना, डेफिनेटली आपको भी पता चल जाएगा। मैं अगर अपना पर्सनली बताऊं तो मैं जिन लोगों को कॉल पे लेता हूँ डेफिनेटली उनसे एक रिलेशन बिल्ड कर लेता हूँ। स्टार्टिंग में नाम पूछता हूँ, फिर ब्रो से उससे कन्वर्सेशन स्टार्ट करता हूँ, अगर वो अनोन पर्सन है तो भी, राइट। इस तरीके से मैं कन्वर्सेशन स्टार्ट करता हूँ कि उनको लगता ही नहीं कि मैं अनोन पर्सन से बात कर रहा हूँ, किसी गर्ल्स भी गर्ल्स से। हेलो हेलो, हाँ अरुण जी बोलिए बोलिए। हाँ सर, हाँ ओके ओके। अब मैं किसी जैसे मान के चलो, एक जी सर एक पॉइंट बोलना चाहूंगा कि आप सभी लोग जैसे अरुण जी ने बोला ना कि फॉलो अप अपलाइन मतलब अपने स्पॉन्सर की सहायता से करा सकते हो, मेक श्योर ना कि आप ना उनकी रिकॉर्डिंग करा करो, या फिर जो भी स्पॉन्सर सपोज आप जो भी आपके अपलाइन है ना उनका आप रिकॉर्डिंग सुना करो कि सर आप कैसे करते हो, मेरे को 5 से 6 रिकॉर्डिंग दो, बिकॉज मैंने भी इनिशियली बहुत कुछ सीखा था, मैंने भी रिकॉर्डिंग बहुत जरूरी वाले रिकॉर्डिंग आप ऑडियो रिकॉर्ड करो और वो अपने टीममेट में ज्यादा नहीं 10 रिकॉर्डिंग अगर अपने टीममेट में फॉरवर्ड कर दिया, सपोज अगर आपकी बड़ी टीम है तो आप सबका फॉलो अप नहीं कर पाओ, खुद पता है। तो लाइट दैट ना आप क्या करना उनको रिकॉर्डिंग करके आप सभी लोग कर सकते, जितने भी लीडर्स हो हमारे भी जितने भी लगभग 5, 6, 7 लोग की टीम है ना, ऑडियो रिकॉर्ड करो एंड अपने टीम को फॉरवर्ड करो, ग्रुप में फॉरवर्ड कर दो, कहीं पर भी इन्विटेशन का रिकॉर्डिंग सब जगह पे, मैंने तो बहुत सारी रिकॉर्डिंग आई होप सबके पास होगा, मेरा रिकॉर्डिंग मैंने जो भेजा आप लोगों के पास, मैं तो अब नहीं करता हूँ पर्सनल रिकॉर्डिंग, बट मैंने बहुत सारी रिकॉर्डिंग्स आप लोगों को भेज रखा है कि कैसे कर सकते हो आप, मतलब यहाँ पर बोले तो, और हर समय बदलता है नो डाउट, हर समय एक ही क्वेश्चन का आंसर तरह तरह से रहता है, तो मेक श्योर ना कि कॉपी पेस्ट तो नहीं होगा, बट आप सुनो 10 रिकॉर्डिंग अगर आप सुनोगे ना, मैं बता सकता हूँ कि उसमें से आप कुछ कुछ पॉइंट्स निकाल के ना अगर निकालोगे ना, तो आप अगर सपोज किसी के साथ बात करते हो तो आप अगर सारे के सारे पॉइंट्स डाल दोगे तो बंदा मतलब क्लोज हो जाएगा, ठीक है ना। तो मेक श्योर ना कि जितने भी लोग हैं जो भी फॉलो अप कर रहे हैं एक्टिवली वो रिकॉर्ड करें एंड अपने टीममेट्स को जरूर प्रोवाइड करें, 10 रिकॉर्डिंग अगर वो सुन लेंगे तो आई होप वो खुद पे खुद इंडिपेंडेंट हो जाएंगे, इससे आपकी भी मतलब एग्जैक्टली थोड़ा आपको भी कम टाइम लगे उस बंदे को लीडर बनाने में एंड वो बंदा भी जल्दी लीडर बन जाएगा, इन शॉर्ट मतलब वो सुन सुन के, सपोज आपको टाइम नहीं वो सुनेगा सर हाँ पैसों का जवाब ऐसे देते हैं सर मेरे, तो मैं भी कोशिश करता हूँ, तो ऐसे करके ना बंदा जल्दी सीखता है, ठीक है। तो मेक श्योर रिकॉर्डिंग कर लिया करो इन फॉर्म ऑफ ऑडियो, खास करके अगर कॉन्फ्रेंस पे भी हो मेक श्योर जो भी आप लाइन से बात करा रहे हो अगर सर नहीं कर रहे हैं तो आप रिकॉर्ड कर सकते हो, ठीक है, या आप प्रोसीड करिए। हाँ सर, जी सर, देखिए अभी मैंने एक चैट ओपन किया है, राइट। इस चैट पे देखिए उस पर्सन ने मुझे खुद से पूछा है कि कैसे पॉसिबल है, राइट। मैंने जस्ट कन्वर्सेशन किया उनसे, उनका नंबर ले लिया, ओके, नंबर ले लिया, देन व्हाट्सएप पे लेके आ गया, ओके। अभी देखिए कल के डेट में मुझे कुछ और लोगों ने डीएम किया था, ये पर्सन है, इन्होंने भी डीएम किया था। अभी डीएम क्यों कर रहा है ना ये मैं बताऊंगा आप लोगों को, ठीक है। डीएम क्यों कर रहा है ना ये सारी चीजें मैं आपको क्लियर करूंगा, ओके, जस्ट वेट। अभी हाँ एक चीज और क्लियर करना है आप लोगों को, ठीक है। अभी आप लोगों को बताता हूँ कि लोग डीएम क्यों करते हैं। सबसे पहले पता है हम लोग गलती क्या करते हैं, हम लोग जब अर्निंग के स्क्रीनशॉट अपने स्टेटस पे या स्टोरी पे डालते हैं तो हम लोग गलती क्या करते हैं ना, विदाउट म्यूजिक के डाल देते हैं। यार आप लोग ना इस चीज को अंडरस्टैंड करिए, लोग बोरिंग नहीं है, पता है, लोग थोड़ा इंटरटेनिंग है, लोगों को म्यूजिक सुनना पसंद है, डांस पसंद है ना, तो इस चीज का बेनिफिट लीजिए ना। आप जब कुछ स्क्रीन जो भी मान के चलो, मैं अपना इसको दिखा देता हूँ, ठीक है, अपना स्टोरी दिखाता हूँ, ठीक है। स्टोरी पे आप देखिएगा, ये तो सिंपल फोटो है ना, अभी देखिए ये तो ये है अपना, ठीक है, यहाँ पे, ओके, ये देखिए ये मेरा स्टोरी है, आज मैंने मॉर्निंग में डाला था पर्सनल ब्रांडिंग के ऊपर। अब इसमें मैंने क्या करा, म्यूजिक को डाल दिया, म्यूजिक को डालोगे ना लोग जल्दी रिलेट करते हैं। अब एक बात और सुनिए कि जब आप अर्निंग के स्क्रीनशॉट डालते हो ना तो उसको थोड़ा एडिट करिए, थोड़ा डांस वाला इंस्टाग्राम पे जाके कैसे करना है, अगर नहीं आता होगा तो हम बता देंगे नेक्स्ट वेबिनार में। आप लोगों को क्या करना है, कुछ डांस कुछ एंटरटेनिंग जो होता है ना ऐसे स्टिकर का यूज करिए। अब म्यूजिक डालिए बहुत अच्छा सा तगड़ा वाला म्यूजिक डालिए, लोगों को म्यूजिक पसंद है, पता है, तो म्यूजिक के कारण ना वो 15 सेकंड पूरा का पूरा रुक के ध्यान से आपके प्रोफाइल को देखेंगे, आपने जो स्क्रीनशॉट शेयर किया ना उसको देखेंगे, फिर पूछेंगे यार पूछा जाए बंदे से क्या करते हैं, राइट। करके ट्रेंडिंग यूज करा करो, ट्रेंडिंग मतलब जो रिसेंटली आया हुआ उससे ज्यादा इफेक्ट करता है। बहुत सारी चीजें आप इंस्टाग्राम पे, मैंने पहले भी बताया हुआ था कैसे आप इंस्टाग्राम पे एडिटिंग कर सकते हो, तो आप अपने अपलाइन का सहायता ले सकते हो, वो आपको हेल्प कर देगा, अदरवाइज हम लोग फिर से वेबिनार ले लेंगे इंस्टाग्राम वाले एडिटिंग का। तो ना ये रोशन जी चल गया, रोशन जी इस चीज को ना दोबारा रिपीट करवा दो एक बार ना, काफी नए लोग आ चुके हैं हमारे साथ ना मीटिंग में, तो इंस्टाग्राम का भी दे दो टाइम इनको, तो एक इंस्टाग्राम की मीटिंग रख दो। हाँ सर, इंस्टाग्राम कोई नहीं,
हाँ सर नेक्स्ट एक्चुअली वर्ड भी उसी पर रख लेंगे, आज फेसबुक, जी सर अगर आज एक्चुअली फेसबुक फेसबुक का मैं मार्केटिंग है। जी सर मैं बोलूं, हाँ हेलो, बोलिए बोलिए आप, बोलिए दीदी हाँ बोलिए। सर मैं क्या बोल रहा था सर, हाँ अगर बोलिए मैं अरुण जी, फेस हाँ जी सर अगर मैं फेसबुक की स्ट्रैटेजी बहुत अच्छे से समझाऊं ना, तो ये थोड़ा सा टाइम टेकिंग प्रोसेस है। मैंने अभी जस्ट कुछ ही आप लोगों को मतलब शेयर किया है, जो मैंने मतलब एक ऐसा लगता है ना की पॉइंट कि इसको बताना चाहिए, तो उसी चीज को एक और की पॉइंट देखिए, ये देखिए यहाँ पे क्या है, बर्थडे। आज जिन जिन लोगों का बर्थडे है ना, उन लोगों का नोटिफिकेशन आया है। अब आपको क्या करना है ना, ये जो लोग है ना उनको जाके बर्थडे विश करिए। अब ये मत सोचिएगा यार कि मेरे बिजनेस में आएगा कि नहीं, कभी भी बिना स्वार्थ के कुछ चीज करो, रिजल्ट बहुत अच्छा मिलता है। राइट, देखिए बिल्कुल सही बात है। पता है एक्चुअली होता क्या है ना, लोग थोड़ा सा ऐसा है कि ऐसे दिखाते हैं कि बहुत ज्यादा बिजी हूँ, खुद के लिए टाइम नहीं निकालता, लेकिन एक अनोन पर्सन जो इस फेसबुक में है, मैंने उसको जाके उनके प्रोफाइल पे जाके उनको बर्थडे विश किया डायरेक्ट मैसेंजर पे, यहाँ पे नहीं डायरेक्ट मैसेंजर पे बर्थडे विश किया। तो आप बताओ आपको कितनी खुशी होगी अगर मैं एक अनोन पर्सन हूँ आपको डायरेक्ट बर्थडे विश करूँ। आज मैंने नहीं किया, आज टाइम नहीं मिला, इसीलिए बस डेली करता हूँ, ठीक है, ओके। तो आप लोग सोचो यार कितनी खुशी होगी उनको। अब ऐसा मत करिएगा कि उनको बर्थडे विश कर रहे हो बिल्कुल तो बिल्कुल मुझे राइट राइट पल्लव जी जी, सॉरी अरुण जी, मैं खुद मतलब कि मैसेज करता हूँ लोगों को, बहुत सारे लोगों के मेरे प्रोफाइल में बहुत सारे लोगों के मैसेज मतलब वो होते हैं, बर्थडे होते हैं, मैं उनको बहुत अच्छे वाला मैसेज बना के भेजता हूँ। पता क्या, जी सर ये एक इतनी अच्छी खुशी मिलती है किसी भी इंसान के जब आप बर्थडे को विश करते। पता, मैंने भी लोगों के बर्थडे लोगों को देखे हैं मैंने, पता लोग क्या लिखते हैं, सिर्फ कंग्रेचुलेशन ओनली लिख के भेज देते हैं, या फिर हैप्पी बर्थडे ओनली, सिर्फ हैप्पी बर्थडे ओनली इतना ही लिखते हैं, इससे ऊपर कुछ लिखते हैं। तो आपको क्या लगता है, जब वो आपको अगर कोई मैसेज करके आपको अच्छा लगेगा, वो मैसेज कभी भी यस आपको सर अच्छा लगेगा, आपको पता लगेगा कि एक इंसान ने एज ए फॉर्मेलिटी पूरी की है, सिर्फ एक हाँ बर्थडे विश करने की एक फॉर्मेलिटी पूरी की है। इस हमने जब करना है तो हमने एक अलग इंसान की तरह करना, कि बंदा हमें, अगर उसको 100 लोगों ने मैसेज किया तो 100 में से हमारा मैसेज जब वो पढ़े तो उसको फील होए कि इस इंसान ने जो मैसेज किया ना सबसे डिफरेंट है, उसको वो चीज यस फील हो कि यार इस बंदे ने बिल्कुल अलग तरीके से मैसेज किया, यार ये कौन है, इतना अच्छा मैसेज इसने मुझे किया, तो एक अलग से फील हो ना उस बंदे को, जिससे क्या कि फ्यूचर में वो आपके साथ कभी भी रिलेट कर सकता है, और जो और उसके बाद वो बंदा आपसे साथ रिलेशन बिल्ड करना जरूर चाहेगा। तो इस जी तरीके सर से और दूसरी बात, जैसे आपने बोला कि कुछ चीजों को ना हमने मतलब कि कई बार क्या, हमने जो भी हमारे दोस्त हैं या कुछ भी हम करते हैं ना, तो हमने हमेशा ये सोच के नहीं करना कि ये इंसान मेरे साथ आएगा या नहीं आएगा, इसको हमें क्या लगता है कि ये आएगा, इसको अच्छे अच्छे लिख के भेजू मैं, इसने तो आना नहीं, इसको छोड़ रहा है, ऐसे ही ऐसे मत करो कभी भी। आप हर बंदे को एक अलग इमेज दो उसको अपनी तरफ से, कि मैं तुम्हारे प्रति कुछ अलग ही भावनाएं रखता हूँ ना, तो उसको एक अलग जी सर स्पेशल फील करवाइए आप। जब फिर ये सब चीजें फील करवाओगे तो देन वो बंदा अट्रैक्ट होएगा। यस सर तो अभी एक छोटी सी जी स्टोरी है, अगर आप चाहो तो मैं उसको एक मिनट के अंदर खत्म कर सकता हूँ। एक छोटी हाँ सर स्टोरी है, बिल्कुल, हाँ सर कंटिन्यू मुझे बड़ी करिए अच्छी लगी वो स्टोरी, मुझे बड़ी अच्छी लगी वो स्टोरी, एक्चुअली मैंने फेसबुक पे देखी थी। तो एक बार क्या होता कि एक घर होता है, एक लेडीज होती है घर में रहती है, तो उसका ना बेटा जो होता है ना वो गुम हो जाता है, बड़ा बेटा, बड़ा बेटा मतलब कई बार होता है ना, बहुत से लोग बच्चे घर से छोड़ के चले जाते हैं, घर छोड़ के, तो ऐसे कुछ हो गया था तो घर से बच्चा चला गया छोड़ के। तो वो जो औरत थी ना, वो जब खाना बनाती थी ना रात के टाइम में, शाम के टाइम में, तो वो अपनी खिड़की में ना एक रोटी रख देती थी बना के डेली, कि कोई भी गरीब इंसान आएगा उस रोटी को ले जाएगा, वो इस भावना से रखती थी कि भी अपने आप को मतलब अपने बेटे के लिए रखती थी, कि काश मेरा बेटा जहां भी हो वो भूखा ना रहे, और काश मेरा बेटा मतलब वापस लौट के आ जाए घर में। तो वो उस मनसा से वो एक रोटी बना के डेली रखती थी अपनी खिड़की के अंदर रात के टाइम, तो कोई भी बंदा उसको उठा के ले जाए उसको कोई प्रॉब्लम नहीं। लेकिन उसने क्या नोटिस किया, कुछ दिन के लगातार देखा तो एक 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 बुढ़ा एक बुजुर्ग आदमी आता था, और शाम के टाइम वो जो रोटी रखती थी तो वो बुजुर्ग आदमी आता था, उठा के चला जाता था रोटी को डेली डेली, और वो कुछ बोलता था। वो क्या बोलता था, वो ये बोलता था कि वो जब रोटी उठाने के बाद बोलता था, और छोटी धीरे धीमी आवाज में बोलता था, तू अगर बुरा करेगी तो वो तेरे पास रह जाएगा। क्या बोला उसने, जो तू बुरा करेगी वो तेरे पास रह जाएगा, जो तू अच्छा करेगी वो तेरे पास लौट के आएगा, बिल्कुल जो तू बुरा करेगी वो तेरे पास रह जाएगा, जो तू बुरा करेगी वो तेरे पास रह जाएगा, जो तू अच्छा करेगी वो तेरे पास लौट कर आएगा। राइट, तो उसने ये वर्ड कहे, उस ये वो बंदा हर बार यही वर्ड बोलता था, और वो और औरत रोज रोटी रख देती थी। लेकिन कुछ दिनों के बाद ना उसको फील हुआ एक चीज, कि यार ये जो बंदा ना पता नहीं क्या बड़बड़ बड़बड़ बड़बड़ाता रहता है, ये मतलब कि मैं रोटी रखती हूँ देख ले बंदा ना थैंक्स गिविंग भी, मुझे थैंक्स भी नहीं बोलता, मुझे गॉड ब्लेस भी नहीं बोलता ना, तो इस तरीके से वो लेडी सोचने लगी। तो उसको बड़ा गुस्सा आया कि ये बंदा यार बड़ा अजीब है, रोज आता तो रोज उठा रोटी उठा के रोज चला जाता, और मुझे थैंक यू भी नहीं बोलता ये बंदा, ये बुढ़ा आदमी ना मुझे धन्यवाद भी नहीं बोलता।
तो उसने बोला कि इसको मैं मजा सिखा, मैं इस बुड्ढे को मैं मजा सिखाती हूँ कल। तो क्या किया उसने, अगले दिन उस औरत ने ना एक रोटी जब बनाई तो रोटी के अंदर ना जहर मिला दिया कि अब इस बुड्ढे की कहानी खत्म कर देती हूँ। तो बुड्ढे के अंदर ना जहर मिला के ना वो रोटी जब रखने के लिए गई ना, आप यकीन मानिए वो रोटी रख नहीं पाई वहां पे, क्योंकि उसका अंतर आत्मा ने उससे बात की कि तू ये कितना बड़ा जुल्म करने जा रही है, वो बंदा तुझसे मांगता थोड़ी ना, तू अपनी सब इच्छा से रखती है उस रोटी को। तो उस लेडीज ने वो रोटी नहीं रखी, तो उसके मन में पता नहीं क्या ऐसी भावनाएं, तो वो रोने लग गई। उस लेडीज ने वो रोटी वापस चूल्हे के अंदर जला के पूरी जला दी। उसके बाद दोबारा से उस लेडीज ने रोटी बनाई और दोबारा से उस थोड़ी देर के बाद उस बुजुर्ग, सुनो अभी आगे स्टोरी, अभी अमेजिंग पॉइंट अभी आने वाला, अभी अभी इसका जो लास्ट मिलने वाला मजा आएगा आपको सुन के। तो उस लेडीज ने जब वो रोटी रखी तो उस बुजुर्ग ने फिर से उठाई, फिर से यही वर्ड बोल। सर आपकी आवाज कट जा रही है। हाँ वॉइस कट जा रहा है, उनको कॉल आ गई होगी, उनको कॉल आ गई होगा, चलना कोई नहीं, कोई नहीं। हेलो, आ रही आ रही, मेरी एक्चुअली ना वाइफ का कॉल आ रहा था बार बार, तभी मैं काट रहा था वो, बेटा वो बार बार कर रहे थे, कोई जरूरी काम था पूछने के लिए। तो वो जब रोटी रखी तो उसने फिर बुजुर्ग ने बोला, जब रोटी उठाने के बाद, जो तू बुरा करे वो तेरे पास रहे, जो तू अच्छा करेगी वो तेरे पास लौट के आएगा। उसने ये वर्ड बोला और वो बुजुर्ग चला गया। और हुआ क्या, ठीक एक दो घंटे के बाद रात को थोड़ा लेट नाइट उसके दरवाजे की कुंडी खड़कती है, तो फिर वो बुजुर्ग उसको, वो जो लेडीज है वो उस घर खोलती है, देखती है सामने उसका बेटा खड़ा होता है। अपने बेटे को देख के वो इतना मतलब कि भावुक हो जाती है, रोने लग जाती है खुशी से, और उसको गले लगा लेती है उस बेटे को अपने, और उसको बड़े मतलब उसको घर लेके आती है, अंदर बिठाती है, तो बड़े आराम से फिर उससे बातचीत करती है, बेटा तू कहाँ चला गया, ये सब बातें करके। फिर उसने बोला कि मम्मी आज तो मैं बड़ी मुश्किल से घर पहुंच पाया। कहते क्यों, क्या हो गया? कहते मैं इतने दिनों से भूखा था, मैं इतने दिनों से भूखा था कि मेरी अंदर जान खत्म हो गई थी, मैं घर आना चाहता था बट मेरे से कदम भी नहीं चले जा रहे थे। आज मुझे इतना ज्यादा भूख लगी हुई थी, इतनी ज्यादा मेरी बॉडी मतलब की वीक हो गई थी कि मैं गिर गया रास्ते में। अगर वो कुछ पॉइंट के अंदर अगर वो बुजुर्ग ना आते ना, मुझे वो रोटी ना देते, तो काश मैं आज आपके घर पे यहाँ पे नहीं पहुंच सकता था। उसने एक बुजुर्ग था ऐसे ऐसे करके, वो बुजुर्ग वहां से निकल रहा था, उसने मुझे मेरी हालत देखी और उस बुजुर्ग ने वो रोटी मुझे दे दी। बोला बेटा ये रोटी तू खा ले, मुझसे ज्यादा जरूर तुझे है, क्योंकि मैं तो फिर भी जिंदा रह जाऊंगा बट तेरे को मुझे लग नहीं रहा कि तू जिंदा रह पाएगा। उस बच्चे ने वो रोटी खाई, तब वो मां रोने लग गई, तब उस मां को वो वचन याद आए कि वो बुजुर्ग क्या बोलता था, कि वो बोलते कि आज मैं कितना बड़ा पाप करने लगी थी, कि मैं कर तो किसी के लिए रही थी लेकिन वो मेरे साथ होने वाला था। तो कहते हैं ना कि बुरा जो तू करे वो तेरे पास रहेगा, अच्छा करेगा तू, अच्छा जो करेगी वो तेरे पास लौट के आएगा। मतलब उसने बुरा करने लगी थी, तो अगर वो बुरा उस दिन कर देती उस टाइम, तो उसका बेटा वो रोटी खा के मर जाता, जहर वाली रोटी खा के मर जाता। लेकिन उसने क्या किया, उस रोटी को दोबारा डिस्ट्रॉय किया और पूरा अच्छे से रोटी बना के दी जो कि उसके बेटे ने खाई, और वो उसके पास अच्छे से लौट के आया। तो इसका सार यही है कि हमने कभी भी कर्म अपने करने हैं तो आपका जो नेचर है ना वो होना चाहिए गिविंग नेचर। आपका नेचर अगर है कि हेल्प करना तो आपने करना है। देखो लोग बुरा करेंगे, वो लोगों का नेचर है, लेकिन इसकी वजह से ये नहीं है कि आपके साथ दो बार तीन बार धोखा हो गया, मान लो आपने किसी की हेल्प की, तो इसका मतलब ये नहीं कि आप हेल्प करना बंद कर दो। देखो आप एक ऐसा हो सकता है जेन्युइन पर्सन कोई ऐसा आपकी जिंदगी में आ रखा हो जिसकी आपने वाकई उसको हेल्प की जरूरत हो, और आपका जो पास्ट में जो एक्सपीरियंस बहुत गलत हुआ तो उसकी वजह से आप उस बंदे की उसकी थोड़ी ना बेचारे की गलती, तो उसके लिए आप अपना दिल खोल के रखना, आप हमेशा उसकी हेल्प करना। तो मेरे साथ ये हमेशा रहता है, मैं अपनी तरफ से बहुत कुछ हेल्प करता हूँ, बट ये चीज चलो बोलने की नहीं होती, बट एक बात कर रहा हूँ कि कहते हैं कि जो दान करते हो ना तो दान आपके जो सज्जा आता है ना उसके खब्बे हाथ को भी नहीं पता लगना चाहिए। सज्जा खब्बा समझ रहे हो, ये पंजाबी का वर्ड है एक्चुअली। सज्जे का मतलब आपके राइट हैंड, जब आप किसी को दान करते हो ना तो आपके लेफ्ट हैंड को भी पता नहीं लगना चाहिए आपने क्या दान किया, या आपने क्या कौन सा अच्छा कर्म किया है, या अपने पड़ोसी को भी नहीं पता लगने देना कि आपने आज क्या कर्म अच्छे किए, मतलब ये आपने कौन सा अच्छा काम कर दिया। बहुत से लोग ना मतलब कि थोड़ा सा दान दक्षिणा करते हैं, बड़ा ढिंडोरा बिटवा देते हैं, फलाने नाम ने इतने रुपए की भेंट चढ़ाई, तो ये सब चीजें ना करें, मैं ये समझता हूँ। क्योंकि फिर देखो अगर ये सब चीजें कर दी ना तो उसका जो श्रेय है ना वो आपको तुरंत मिल गया, लेकिन जो ऊपर वाला बोलता है कि जब तू गुप्त में कोई दान करेगा ना तो उसका जो रिवार्ड है तुझे लोगों के सामने मैं दूंगा, तो वो चीज करने की कोशिश करो आप सब लोग। बिल्कुल सर, बहुत लोगों से जो बड़े बड़े एंटरप्रेन्योर है वो एक ही चीज कहते हैं कि मनी इज अ बाय प्रोडक्ट ऑफ एडिंग वैल्यू इन पीपल्स लाइफ। सुनी होगी ना आपने ये लाइन? ये बहुत ही सही है, बहुत अच्छी, जो बहुत ही सही पॉइंट है, राइट।
चलो ये अरुण जी आप प्रोसीड करें, और मैं अरुण जी आपको एक बात बोलूंगा, आज ना हम लोग फेसबुक मार्केटिंग ही शिफ्ट करेंगे, तो कोई इशू नहीं है, आप थोड़ा लंबा खींच हाँ सर सकते हो, जी बिकॉज सर भाई ओके। हमारा 8:30 बजने वाला है, तो कोई इशू नहीं है, क्योंकि अरुण साढ़े जी आठ अगर, रोशन जी अगर देख लीजिए, अगर एक ही दिन में मुझे लगता नहीं सेशन कंप्लीट हो पाएगा, तो नेक्स्ट मीटिंग ले लीजिएगा, क्योंकि हाँ सर लंबा डेफिनेटली एक एक दिन में नहीं होने काफी वाला सर सारे जी। पॉइंट हैं जो कि डिस्कस करने लायक है, मुझे नहीं लग रहा कि आज ये अभी कर पाओगे, काफी सारे कोई डिस्कस। नहीं अरुण जी, आप ऐसे जगह पे छोड़ो सो दैट कुछ ऐसा ना लगे अधूरा अधूरा, मतलब होता है कुछ एक पोर्शन कंप्लीट कर दो एंड देन फिर नेक्स्ट नए तरीके से, मतलब फेसबुक स्टार्ट करेंगे बट हाँ नए सर पॉइंट के साथ स्टार्ट, तो आप एक कवर अप कर दो सो दैट वो मतलब जो इनके जो पॉइंट है ना, देखो हर पॉइंट को ना अलग से डिटेल में समझाना बहुत जरूरी है, क्योंकि हाँ इन्होंने सर मेरे को आई थिंक 7 पॉइंट लिखवाए थे, इन्होंने राइट सात सात पॉइंट लिखाए थे ना, 7 के 8 पॉइंट हाँ ऐसे सर हैं, सात 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 पॉइंट पॉइंट सर लिखा है ना आपने, तो 7 के 7 पॉइंट एक दिन में क्लियर नहीं होंगे, इनको 5 5 मिनट का टाइम देना जरूरी है, और वो चीजें करके दिखानी भी जरूरी है, जी पॉसिबल सर है जो चीजें करनी लायक है वो करिए ना, तो इसलिए जल्दबाजी ना करें, कोई दिक्कत नहीं है, नेक्स्ट ले लेंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं, हमारा यही तो है सर, वैल्यू एडेड हमने करनी है लोगों की लाइफ में, हमने कुछ ना कुछ सिखाना तो है ही सर, ऐसी कोई हाँ बात सर नहीं, देखो जिसने जो ये देखो मैं आप एक ही बात बोलता हूँ, मैं एक ही चीज बोलता हूँ जिंदगी में ना, लर्निंग प्रोसेस सर कभी भी खत्म नहीं होगा, और लर्निंग सर हमेशा रहनी चाहिए जिंदगी में, अगर आज आपकी बार लर्निंग खत्म होगी तो सर आप सीखना बंद कर दोगे, तो जितना आपका बंद है ऑटोमेटिक होने वाला है, तो जरूरी थोड़ी था कि एक ही दिन में सारी चीजें सीखोगे यार, आज की जो हाँ सर चीजें मिली है वो बहुत इंपॉर्टेंट थी, जो बातें अरुण जी ने बताई है बहुत सारी चीजें प्रैक्टिकली करके दिखाई है वो बहुत ज्यादा जरूरी थी, अगर अगर ये यहीं पे छोड़ देते सर, ये ग्रुप पे कर लेना सर, कौन करता ग्रुप बताओ, कोई भी ऑफकोर्स नहीं सर ज्वाइन करता, किसी को समझ ही नहीं आया कि ग्रुप करना कैसे है सर, आज मैंने इसीलिए इनको बोला कि वो बताओ ये करके बताइए, प्रैक्टिकल जरूरी है, नॉलेज ही नहीं है लोगों को करने की, तो इसलिए ये सर प्रैक्टिकल जो किया बहुत जबरदस्त किया, अमेजिंग है, मैं अपनी तरफ से बहुत आपको अप्रिशिएट करता हूँ इस चीज के क्या लिए, सर और थैंक यू सर इसी थैंक तरीके यू से सो आप मच। कंटिन्यू, बिल्कुल बिल्कुल, तो ये चीजें ना सर देखो आप अगर ये सब चीजें कर रहे हो तो नेचुरल सी बात है यार, आप लोगों की जिंदगी में वैल्यू एडिशन का काम कर रहे हो, और दुनिया में एक ही हमने भी सीखा ये, जैसे अभी आदित्य जी ने बताया, तो मैं भी यही चीज सीख चुका हूँ कि देखो जब तक आप वैल्यू एडिशन नहीं करोगे जिंदगियों में लोगों की, तो सर आगे नहीं जाने वाले, आप वैल्यू एडिशन तो आपको करना ही पड़ेगा, वो किसी भी तरीके से हो सकता है, तो आज हम अगर आज यहाँ से इस मीटिंग के थ्रू भी कर रहे हैं, देखो मैं बहुत बार मीटिंग में बोल चुका हूँ, मैं अपनी दूसरी टीम को भी बोल चुका हूँ, तो देखो जो हम मीटिंग लेते हैं ना ये शाम के टाइम, रोशन जी ने इनिशिएटिव ले रखा, हम लोग मीटिंग में होते हैं सब लोग, आप लोग होते हो, तो आप लोग यार बड़े लक्की हो, मैं फिर बोल रहा हूँ, क्योंकि ये जो मीटिंग का जो कल्चर है ना ये हमने और कहीं नहीं देखा, ये जो मीटिंग का कल्चर है ये हम लोगों ने ही डिजाइन किया हुआ है, ये हमारे ही 2 3 लीडर हैं जो हमारे पहले के हमारे जो लीडर थे उन लोगों से हमने भी सीखा, तो हम इन चीजों को कंटिन्यू कर रहे हैं, बट ये जो चीजें हैं ना सभी लोग नहीं कर रहे, कभी अगर आप समझो कि सभी लोग कर रहे हैं, लोग नहीं करते ये सब चीजें, लोग क्या करते हैं सिर्फ ज्वाइन करते हैं, दैट्स ऑल, खत्म, काम करना कर, नहीं तो अपने घर जा भाई, हम यहाँ बंदे को एक एक चीज सिखा रहे हैं भाई, ये जो चीजें आपको सिखाई जा रही है ये कौन सी आपने पैसे दे रखे हैं इस चीज के, किसी ने भी नहीं दे रखे, बट फिर भी आपको चीजें सिखाने को ये सीखने को मिल रही है, और इवन मैं इतनी ये बात भी बोलूंगा कि इवन जिंदगी में फोर्सेस छोड़ो, फोर्सेस के अलावा भी अगर कुछ करना चाहोगे ना, ऐसी चीजें सिखा चुके हैं आपको यहाँ पे हम लोग कि आप लाइफ में कभी फेल नहीं हो सकते, हम ये लोगों ने सियोरिटी है। बहुत सारे कोर्सेज देखे जो कि फेसबुक मार्केटिंग पे सिर्फ रहता है, जो कि $100 $150 में बिकते हैं, जो आपको कंटेंट अरुण जी आप बता रहे ना, मैं बताऊं जेन्युइनली तो कम से कम $100 तो लोग पे करेंगे, और हम लोगों ने खुद पे करे हैं, हम लोग इससे पहले प्रायर बहुत सारे कोर्स हम लोगों ने परचेस करा था, तो हम लोगों ने कहीं ना कहीं पे किया था, उतना नहीं किया था बट हम लोगों ने उस वर्थ का मतलब उतने का सस्ते में लिया था, बट हम लोगों ने कोर्स परचेज करा था, तो मेक श्योर ना आप ये सेम फीलिंग, और मैं एक पॉजिटिव बात बताऊँ वेबिनार का क्या होता है ना, अगर आप मतलब एक जैसे लोग देखोगे ना, मतलब कि यहाँ इतने सारे, अब आप रूम पर रहोगे अकेले, लोगे यार मैं ही अकेले काम कर रहा हूँ फॉर, लेकिन अगर आप वेबिनार में आओगे ना हम लोग का टीम मीटिंग में, तो आपको फील आएगा नहीं हम अकेले नहीं है, हम लोग के पास साथ में स्टार्टिंग में 42 पीपल हो गए थे, कोई भी रीजन हो, बहुत सारे लोगों ने हो सकता है इन्विटेशन दिया हो तो कॉलिंग में चले गए होंगे, तो कोई भी रीजन हो हम लोग 42 लोग एज अ टीम में, मतलब हम लोग कहीं ना कहीं आपस में जानते हैं, तो इससे आपको एक पॉजिटिव इन्वायरमेंट मिलता है, और इन्वायरमेंट बहुत ही ज़्यादा मैटर करती है, एसोसिएशन अगर आपको रहेगा ना, सब पर्सन अगर आपको आसपास देखेगा कि नहीं हम लोग सेम चीज़ कर रहे हैं ना, तो आपको अपने आप करने का मोटिवेशन मिलेगा, नहीं तो फिर मैं आपको बताऊँ जेन्युइनली मेरे साथ खुद होता है, अपने आप डिमोटिवेशन आने लगता है, अगर आपके आसपास दूसरे तरह के लोग हैं, सबको सब जॉब जा रहे हैं, घर से निकले बैग उठा के चले गए, आपको लगे यार मैं भी जॉब करूँ कुछ दिनों बाद, लेकिन अगर आप रेगुलर बेसिस मीटिंग अटेंड करोगे ना, मैं बता रहा हूँ ये सारे जो भी निगेटिविटी है आपके दिमाग से बाहर चले जाते हैं, और मेरे को खुद पॉजिटिव, और उसी ने मैंने इनिशिएटिव भी लिया था, और मैं जब से मैंने स्टार्ट किया है मैंने ना, मैंने आई होप एक भी दिन आधे घंटे के लिए मिला हूँ, बट हर अल्टरनेट डे पे मैंने मीटिंग ली है, हर अल्टरनेट डे पे, और हमारे साथ सुरेश सर आदित्य जी अरुण जी बहुत पुराने साथ से बने हुए हैं, ये लोग भी मतलब इक्वली पार्टिसिपेंट मतलब पार्टिसिपेटेड है, और इक्वली कंट्रीब्यूशन भी इन लोग का, तो मेक श्योर ना कि आप रेगुलर बेसिस पर अपने आप तो करो ही करो, और अपने टीममेट को भी सेम जो उनको बोलो यार जो वैल्यू मिल रहा है ना, मैं आपको जेन्युइनली बता रहा हूँ यू कांट गेट फ्रॉम एनीवेयर, आपको ये वैल्यू कहीं से नहीं मिल सकता है,
और निचोड़, बिकॉज यूट्यूब पे वीडियोज है, नो डाउट बहुत लोग बोलते हैं यूट्यूब पे चले जाएंगे, यूट्यूब पे जाओ, फेसबुक मार्केटिंग सर्च करो, जो चाहिए वो मिले तब तो सही। यहाँ सुरेश सर ने डिमांड किया, अरुण जी ने बता दिया, आप यूट्यूब पे किसको बोलो, कमेंट सेक्शन में डालो कब वीडियो बनाएगा पता नहीं, उस पर आप लोग खुद पता है, अगर सब कुछ कुछ प्रॉब्लम फेसबुक से रिलेटेड आपने क्वेश्चन डाल दिया कमेंट सेक्शन में, कब जवाब देगा आपका कोई पता नहीं है, बट यहाँ पर आपको अरुण जी पर्सनली, मतलब कोई भी हो, सपोज मैं ले रहा हूँ, आदित्य जी ले रहे हैं, आपको पर्सनली जवाब देते हैं। तो ये सब चीज अपने टीममेट को फील कराओ, वो लोग भी 101% मीटिंग में अटेंड करेंगे, और एक बार मीटिंग में आ गए ना, एक इन्फॉर्मेट उनको मिल गया ना, वो बंदा खुद पे खुद काम करने लगेगा, इससे ना बहुत सारे प्रॉब्लम सॉर्ट आउट हो जाएंगे आपके, जो कि पिछले वेबिनार में हम लोगों ने किया था, तो ये सब प्रॉब्लम आपके सॉर्ट आउट हो जाएंगे। ठीक है, तो अर्जुन जी आप अब कंटिन्यू करें, एंड आप एक कोई सुनिए, अगर आज नहीं हुआ तो हम नेक्स्ट वेबिनार फिर से कंडक्ट करेंगे फेसबुक मार्केटिंग पे ही, कोई सुनिए। अभी थोड़ा सा मैं बस थोड़ा सा बोल के फिर एंड कर देता हूँ जी सर। एक्चुअली अभी मैंने जो बता रहा था ना बर्थडे विश करने का, आप देखोगे अगर आपके फ्रेंड लिस्ट मतलब बहुत अच्छा है ना, डेफिनेटली पर डे लगभग 10 लोगों का बर्थडे रहता है, राइट, जैसे मैंने दिखा दिया था, राइट। तो अब आपको क्या करना होता है पता है, लोग आपको जानते नहीं है बट फिर भी आप उनको, मैक्सिमम लोग क्या करते हैं जस्ट पोस्ट ही कर देते हैं हैप्पी बर्थडे टू यू, राइट। आपको ऐसा नहीं करना है, आपको कुछ डिफरेंट करना है, मैसेंजर पे जाइए, उनको एक यूनिक मैसेज करिए ना, उनको मैसेज करिए, कॉपी पेस्ट कर लीजिए, सबको एक ही मैसेज करिए, उन लोगों को थोड़ी ना पता कि आप एक ही मैसेज कर रहे हो, मैं तो वैसे ही करता हूँ, सबको एक ही मैसेज करता हूँ, राइट। और कहीं पर भी सर मैम का यूज मत करिए, उनके नाम लिख करके करिए, राइट। तो इससे क्या होता है ना, लोग जब उनके नाम लोगे ना तो एक अलग सा उनको एक अलग सी खुशी होता है, अलग सा अपनापन आ जाता है कि राइट, कि ये पर्सन मुझे कैसे जानता है, ओके। तो आप इस चीज को फोकस करिए, और आप लोग क्या करिए, जब आप किसी को बर्थडे विश करते हो ना मैसेंजर पे, उस टाइम उससे पहले तो लोग आपको नोटिस नहीं करते हैं, जानते भी नहीं, लेकिन जब आप बर्थडे विश कर देते हो ना, लोगों के माइंड में आप आना शुरू हो जाते हो, यार ये बंदा कुछ यूनिक है, मुझे इसने विश किया तो क्यों किया, वो आपके प्रोफाइल पे जाएगा, आपके प्रोफाइल विजिट करेगा, अब वो क्या करेगा ना, आपको नोटिस करते रहेगा कि आप करते क्या हो। आप बस अपने स्टोरी से आप क्या करिए, पर्सनल ब्रांडिंग करिए, अट्रैक्शन मार्केटिंग करिए, एक दिन वो पूछेगा कि भाई आप क्या करते हो यार बता दो, देन बताइए उनको फिर क्या बिजनेस करते हो और क्या बिजनेस करते हो कैसे करते हो, और उनको इस चीज की सियोरिटी दीजिए। मैक्सिमम लोगों को मैंने देखा है, लोगों को ना सिर्फ ज्वाइन करा के छोड़ देते हैं, यार ऐसा मत करिएगा, लोगों की पर्सनली हेल्प करिए, जब तक वो नहीं छोड़ता है ना फोर्सेज को, तब तक उनका हेल्प करिए, अपने से जितना हो सके हेल्प करिए, क्योंकि ये जो चीज है ना वो मतलब लोगों को एक ऐसा है कि आप उनका हेल्प करोगे ना तो वो लॉन्ग टर्म आपके साथ चलेंगे, और आपको भी बेनिफिट होगा, उनको भी बेनिफिट होगा। लेकिन मैक्सिमम लोग क्या करते हैं, बस ज्वाइन करा दिए, हाँ मेरा काम तो खत्म हो गया, अब बाकी आप समझ लो कैसे करना जान लो, ऐसा नहीं करना है। ये पॉइंट ना अरुण जी मैं यहाँ पे ऐड करूँ, कहीं ना जी सर सिस्टम को मैं कुछ ऐड करना चाहूंगा, कहीं ना किसी भी सिस्टम को उसके सीनियर या जो भी जिन्होंने उनको ज्वाइन कराया है ना वो छोड़ते हैं तभी छोड़ता है, बिकॉज सिस्टम तो चलते रहती है, नो डाउट सिस्टम काम करते रहते, बट अगर आपने जिनके साथ ज्वाइन किया था अगर आपका वही साथ नहीं देते ना तो ही जाके, ये आप नेटवर्क मार्केटिंग में देख सकते हो, कहीं पर भी देख सकते हो, यार मैंने खुद रिलाइज करा कि सिस्टम में कोई दिक्कत नहीं रहती है, ये टोटली हमें और कहीं ना कहीं आप मतलब हम लोग हेल्प नहीं करते उनके। मैं बताऊँ जनरली मैं इवन डेप तक काम मतलब बहुत नीचे तक मैं काम करता हूँ, क्योंकि मेरे को आई होप मेरे को कभी प्रॉफिट नहीं मिलने वाली है, बट मैं क्यों काम करता हूँ, बिकॉज अगर वो ठीक है मेरे को पता है ना अगर वो काम करेंगे अल्टीमेटली उसके ऊपर वाले काम करेंगे, तो मेक श्योर ना आप हमेशा जो भी पर्सन आपके साथ डायरेक्ट हो या आपके नीचे जो भी दिख रहा हो ना उसका तो हेल्प आप 100% बेहिचक करो, कोई सुनिए, बिकॉज इनडायरेक्टली वो जो सुरेश ने कहानी भी बताया था ना अभी जो कहानी बताया हो वो घूम घूम के आपके पास आएगा ही आएगा, ठीक है ना। तो मैं आई होप आप समझ सकते हैं, तो वही मैं बताऊंगा जो भी पर्सन आपके पर्सनल हो डायरेक्ट स्पॉन्सर्स को बोलते हैं, अदरवाइज अगर आपके टीममेट्स में आते हो आप उनकी जिस हद तक हो सकती है जितना हद तक हो सकता है उतना हद तक हेल्प करो, बाकी अगर सपोज नहीं हो पा रहा ना आप उनको सिर्फ वेबिनार तक ला के दो, उसके बाद तो हम हैं, बहुत सारे लोग हैं, आंसर कोई भी क्वेश्चन का आंसर ऐसा नहीं आपको नहीं मिलेगा, अगर आपके पास टाइम नहीं है उनको वेबिनार तक बोला, बोले भाई तो 7 बजे वेबिनार अटेंड कर, आपको सब समझ में आ जाएगा, ठीक है ना। तो मेक श्योर आप जो भी आपके साथ जुड़े आपके टीम में जुड़े उनकी हेल्प आप कोशिश करो, जितना आपको आता है, नहीं आता आप अपने सीनियर के पास जाओ, अपने फ्रेंड मतलब जिनके साथ आपने ज्वाइन किया स्पॉन्सर के साथ जा सकते हो, ठीक है। अरुण जी अब आप आई होप हमारे पास 8:30, अगर 8:30 में बहुत मतलब बहुत सारे लोगों की हो सकती है आज इन्विटेशन भी होगी, बहुत सारे लोगों को इन्वाइट करा होगा, हाँ सर जी सर, आपको वहाँ होना ज्यादा जरूरी है यहाँ के कंपैरिजन, बिकॉज मैंने बार बार बोला है अगर आपके पार्टिसिपेंट्स हैं तो मेक श्योर कि आप वहाँ पर मौजूद रहो, अगर आप यहाँ पर लिव भी करते हो नो इशू, बट आप वहाँ पर जरूर मौजूद रहो, ठीक है ना। तो अगर जिन्होंने भी अगर किया है तो अभी आप लिव कर जाओ, हम लोग 5 मिनट मीटिंग को रैप अप करेंगे, और एट लास्ट जैसा कि मैंने आपको स्टार्टिंग वीडियो दिखाया था
आप सभी लोगों ने वो वीडियो देखा होगा राइट, एक सेकंड, आप सभी लोगों ने वो वीडियो देखा जिसमें कि सभी ने डायरी और पेन लेके फोटो मतलब वीडियो बनाए थे राइट। तो विक्की हमारे बीच में विक्की बना लेंगे एंड मेक श्योर जितने भी लोगों ने आप मतलब जिसके हाथ में डायरी नोटबुक है सब लोग डायरी और नोटबुक लेके एक स्माइलिंग फेस के साथ हंसता हुआ चेहरे के साथ लास्ट में एक शॉर्ट वीडियो 15 से 20 सेकंड का डालेंगे और आप वो आपको एडिट करके आपको मिल जाएगा ग्रुप में। आप सभी लोग अपने स्टेटस पे फेसबुक कहाँ पर भी हो आप लगा सकते हो ठीक है। तो आज लास्ट हम लोग एक करेंगे, तरुण जी आपको जो भी आप एंड करो अदरवाइज हम लोग वो क्वेश्चन करके हम लोग मीटिंग को एंड कर लेते हैं। जी सर, ओके सर। मैंने जितने भी पॉइंट्स एक्चुअली अभी आप लोगों को बताया था ये जो अपने फेसबुक से रिगार्डिंग, होप आप लोगों को चीजें क्लियर हुआ होगा। अगर किसी को कुछ डाउट है वो मुझे पर्सनली पूछ भी सकते हो, मैं डेफिनेटली हेल्प करूंगा क्योंकि मेरा एक नेचर है कि अगर कोई मुझे बेनिफिट ना देना फिर भी उनका मैं हेल्प करता हूँ राइट, तो उसका मुझे रिजल्ट भी अच्छा मिलता है। जैसे अपने एक छोटा सा एग्जाम्पल दूं, एक पर्सन है थानू नारंग। हेलो जी सर, हाँ सर कंटिन्यू। हाँ सर, एक्चुअली मैं एक छोटा सा एग्जांपल देना चाहता हूँ कैसे। हाँ सर, जैसे कि मैं क्या करता हूँ कि लोगों के कुछ भी हो हेल्प करता हूँ, तो इसका रिजल्ट मुझे कैसे मिला देखिए। हमें पता नहीं था जो फोर्सेज है उसमें ड्रोन लॉन्च होने वाला है। मेरा एक दोस्त है थानू नारंग, वो ऑलरेडी फोर्सेज इथेरियम पे किसी के साथ ज्वाइन था। उन्होंने मुझे फेसबुक में अप्रोच किया, उन्होंने कहा भाई मेरे अपलाइन मुझे सपोर्ट नहीं करते हैं, आप मुझे सपोर्ट करिए, वेबिनार का लिंक दीजिए। मैंने उनको वेबिनार का लिंक दिया, उनका कुछ पर्सनल कॉल भी कॉन्फ्रेंस में अटेंड किया, उनको बताया राइट। तो इससे क्या हुआ ना, वो पर्सन मेरे साथ दिल से कनेक्ट हो गया। अब जैसे ही फोर्सेस स्ट्रॉन्ग लॉन्च हुआ वो पर्सन मेरे साथ ज्वाइन कर लिया राइट। अब ऐसा है कि वो हो सकता है इथेरियम में फिर से अपना नया आईडी लगा ले मेरे साथ। तो यार कभी भी ना इस चीज को जो स्वार्थ है ना उसको थोड़ा सा अवॉइड कर दो, लोगों की हेल्प करो, दिल से हेल्प करो, रिजल्ट डेफिनेटली आएगा। मैंने जैसा बताया लोगों को फ्री में वैल्यू प्रोवाइड करिए, उनको जो भी कोर्सेस आपके पास है लोगों को फ्री में दीजिए, उनको ई बुक दीजिए, उनको बर्थडे विश करिए, लोग आपके साथ कनेक्ट होना शुरू करेंगे। जैसे ही लोग आपसे कनेक्ट होते हैं ना रिजल्ट तो डेफिनेटली आना है फिर राइट। और हर बार ये मत सोचिए कि मैं जिन लोगों को कर रहा हूँ डेफिनेटली आपके साथ आएगा, ऐसा होता है कुछ लोग नहीं आएंगे क्योंकि उनके अपने भी कुछ मजबूरी है, कुछ रीजन है राइट। तो इस चीज को अवॉइड करिए, आप 100% रिजल्ट कहीं पर भी नहीं पाएंगे, डेफिनेटली 40% 50% आपको रिजल्ट मिलेगा ओके। तो इस चीज को फॉलो करिए, होप आप लोगों को समझ में आया होगा। थैंक यू सर फॉर दिस अपॉर्चुनिटी। कोई नहीं कोई नहीं। या तो जैसा कि अरुण जी का पोर्शन एंड हो चुका है, तो आप सभी लोग को जो अरुण जी ने बताया कैसा लगा अरुण सर का सेशन, ये सेशन नेक्स्ट डे फिर से कंटिन्यू होगा, हम लोग फिर कल छोड़ के परसों मिलेंगे अल्टरनेट डे पे। तो अरुण सर का जो सेशन था अभी तक का कैसा लगा आप लोग चैट बॉक्स में टाइप करें राइट। हाँ यार रिकॉर्डिंग है हमारे पास, रिकॉर्डिंग मिल जाएगी आपको कल सुबह तक, रिकॉर्डिंग सबके पास अवेलेबल होंगी। और मैं रिक्वेस्ट करना चाहूंगा कि जितने भी लोग नए ज्वाइन होते हैं ना आप अपने स्पॉन्सर से वो प्लेलिस्ट जरूर मांगे, हम लोगों ने इससे पहले 23 या 24 वेबिनार कर लिए हैं, तो मेक श्योर आप उस प्लेलिस्ट को फिर से देखो। बिकॉज मतलब बार बार एक चीज बताना, और बहुत समय होता है कि उस समय कुछ और निकलता है, अभी कुछ और बताया जाता है, तो मेक श्योर ना कि आप पुराने रिकॉर्डिंग जरूर देखो ठीक है ना। तो आप वो चीज मांग सकते हो अपने स्पॉन्सर के साथ, अपने स्पॉन्सर से ठीक है। तो विक्की आर यू रेडी? तो जैसा कि मैंने बोला था एट लास्ट सभी लोग अपने अपने वीडियोस को ऑन करें, या चलो ठीक है आप सभी लोग अपने अपने वीडियोस ऑन करो जिनको भी लाइट की प्रॉब्लम ना हो, एंड एट लास्ट हम लोग एक शॉर्ट वीडियो ज्यादा नहीं 15 सेकंड का रिकॉर्ड करेंगे एंड एट लास्ट हम लोग मीटिंग को एंड करेंगे राइट। या तो विकी जी आई होप सभी ने जितने भी लोगों ने होंगे कैमरे ऑन कर लिए होंगे। सुरेश सर अगर आप मीटिंग में हो तो एक सेकंड यार, सुरेश सर आई होप उनकी कॉल आ गई है, सुरेश सर की लग रही है कॉल आ गई, कोई सुन नहीं है। आप विकी जी आई होप आप कर लो एंड मीटिंग को हम लोग एंड करते हैं 8:30। हाँ जी हाँ जी रोशन जी, या सुरेश सर आप वीडियो ऑन कर लीजिए राइट, एक सेकंड। सभी लोग अपने डायरी अगर हो तो लिखा है कुछ भी, और आज की रिकॉर्डिंग मिल जाएगी आप लोग रिवीजन कर सकते हो, और प्लेलिस्ट आप अपने स्पॉन्सर से ले सकते हो ठीक है। तो अब हम लोग मीटिंग को एंड करते हैं, वापस से सेम जहां पर हम लोगों ने छोड़ा था हम लोग वहां से नेक्स्ट। एक मिनट रुको, मेरे को दूसरे रूम में जाने दो, एक्चुअली मैं नीचे आ गया था, ओके वो एक्चुअली काम था ना कोई वाइफ को, तो उन्होंने मुझे बुला लिया था नीचे।